स्टार्ट करते हैं। वेट कर लिए, काफी लोग हम ज्वाइन कर लिए सब। मेरी स्क्रीन विजिबल? हाँ जी जी पिछले वीक हमने स्पार्क को कवर किया था इन डिटेल, काफी सारी चीज स्पार्क से देखी थी। तो आई होप स्पार्क से रिलेटेड जो बेसिक्स वगैरह है और स्पार्क में किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं वो चीजें क्लियर होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब स्पार्क से ही रिलेटेड है वो बेसिकली है स्पार्क स्ट्रीमिंग। पहले हमने कुछ चीजें कवर की थी वो स्पार्क बैच से रिलेटेड थी। तो हम स्पार्क स्ट्रीमिंग पे काम करेंगे कि रियल टाइम जो पाइपलाइन बनती है किस जी तरह स्पार्क। अच्छा, सबसे पहले हाँ सॉरी। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का जानना जरूरी है कि स्ट्रीमिंग बेसिकली स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो आप में से किसी के माइंड में हो, किसी को आइडिया हो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, या कोई गेस करना चाहो क्या होती है? आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। मैं शायद वॉल्यूम ऑन है, मैं म्यूट कर देता हूँ। जी फरहान जी, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स इस तरह की चीज है कि हमारे पास कंटिन्यूअसली डाटा आ रहा है, लाइव डाटा आ रहा है, और हमने लाइव डाटा को प्रोसेस करना है। लाइव डाटा में प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि एक तो बिग डाटा है, वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरा ये है कि उसकी ज़्यादा स्टोरेज से पहले ही, यानी एक तो होता है कि हम उसे स्टोर करके फिर हम उसे प्रोसेस करें, इसमें ये कि लाइव डाटा को विदाउट स्टोरेज जो है वो प्रोसेसिंग की जाए और उससे अपने मतलब की चीज़ या जो भी कंक्लूजन है ये कंक्लूड किया जाए डाटा को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास एक लाइव डेटा होता है, लाइव डेटा स्ट्रीम होता है, उस पे आप उसके बेसिस पे आपने बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं या आपने उसको स्टोर करना होता है। तो इसका चैलेंजेस भी ये होते हैं कि आप लाइव डेटा स्टोर पे मतलब किस तरह आप डिसीजन लेंगे, तो उससे रिलेटेड पे आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो उस पर आप प्रोसेसिंग कर सकें। तो स्पार्क इज वन ऑफ द टूल, स्पार्क स्ट्रीमिंग उसको आपको हेल्प करता है। तो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स देखते हैं जी। वट इज स्ट्रीम प्रोसेसिंग? स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द एक्ट ऑफ कंटिन्यूसली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा टू द कंप्यूट रिजल्ट। अच्छा, ये बेसिकली एक कंटिन्यूसली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा है जो बस आपके रिजल्ट के पास आता रहेगा। इसकी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि अब हम ट्विटर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ट्विटर पे आप जब भी कोई स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं या कोई डेटा गेट करते हैं तो उसके पास आपके पास लेट्स से आपने कोई टॉपिक डिफाइन कर दिया फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो उस टाइम से आप जब अपने प्रोग्राम चलाएंगे उस टाइम से ट्विटर पे जितने भी न्यू ट्वीट्स आएंगी वो आपके पास एज अ कंटिन्यूसली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा जो है वो आपके पास आता जाएगा। वो एंड ही नहीं होगा क्योंकि ट्वीट्स तो आती रहेगी जितने भी आप दिन चलाएं, क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, ओवरऑल द वर्ल्ड कहीं ना कहीं से ट्वीट आती रहेगी। सेम इसकी एग्जाम्पल होगी अगर आप बॉयलर की एग्जाम्पल लेते हैं। बॉयलर में डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो मॉडर्न बॉयलर्स होते हैं, ठीक। तो उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उन्होंने सेट किया होता है कि यार लेट्स से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है तो वो एक सायरन बजाना शुरू कर दे ताकि पता चले कि यार बॉयलर फटने वाला है, इस तरह कुछ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो हर एक सेकंड जो है ना बॉयलर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करके अपने एप्लीकेशन के पास भेज रहा था। फिर एप्लीकेशन लेट्स से उसके पास जो भी बिजनेस लॉजिक लगी हुई है कि यार जो बॉयलर का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 80 तो नहीं है, अगर 80 नहीं है तो इग्नोर कर दो, अगर 80 है तो सायरन एक्टिवेट कर दो। तो इस तरह की जो है स्ट्रीम प्रोसेसिंग, आपके पास एक इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डेटा आ रहा होता है और आप उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा, इसमें है इनपुट डेटा इज अनबाउंडेड, नो बिगिनिंग नो एंड, ठीक है। आपके पास जो स्ट्रीम का जो डेटा होता है उसकी कोई स्टार्ट नहीं होता है ना कोई उसका एंड होता है। लेट्स से ट्विटर की एग्जाम्पल ले ली कि ट्विटर तो पता नहीं कब से चल रहा है, ठीक है। उसके पास क्रिकेट का डेटा सालों से आ रहा होगा, लेकिन लेट्स से आप आज से शुरू करते हैं तो उसके कुछ स्टार्ट नहीं थी, स्टार्ट तो बहुत पहले शुरू हो चुका। आप उसके श्योर नहीं है कि ट्विटर ने कब अपना स्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट किया था, कब नहीं किया था। आपको ये है कि बस आपको मतलब है कि भाई आपने आज से डेटा गेट करना है तो आपको आज से डेटा मिल जाएगा, जैसे कोई स्टार्ट नहीं होता और इसका कोई एंड नहीं होता और आप श्योर नहीं होते कि ये एंड कब होगा।
बस ये चलता रहेगा, फिर स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये चलती रहेगी, ठीक है। इसके कुछ यूज केसेस जो बड़े फेमस यूज हो रहे हैं मार्केट में वो है जी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। लाइक क्रेडिट कार्ड पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड वो पता लगना चाहिए यार कि ये कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि यार लेट्स से आपने कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कर दी और पता चले कि वो फ्रॉड एक्टिविटी थी, लेकिन आपको मैसेज कल आए आफ्टर बैच लाइक बैच प्रोसेसिंग के बाद पता चले क्या ये तो फ्रॉड था, आपका मैसेज आया कि यार आपके अकाउंट में कल फ्रॉड हो चुका। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिकल यूज केसेस इसी तरह हैंडल किए जाते हैं रियल टाइम में कि लेट्स से आपका जैसे ही आपने कार्ड इंटर किया फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है तो विद इन सेकेंड्स आपके पास मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए कि आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड एक्टिविटी हमने कैप्चर की है। इसके अलावा क्लिक स्ट्रीम ऑन वेबसाइट, क्लिक स्ट्रीम वेबसाइट में क्या होता है कि यार आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्पेसिफिक क्लिक को मॉनिटर करते हैं। लेट से आपने किसी टी शर्ट पे क्लिक किया है, ठीक है, तो वो उसके पीछे जो बैकेंड पे मेटा डाटा होता है तो वो देखता है कि यार आपने टी शर्ट पे क्लिक किया है, तो इसी तरह बैकेंड पे ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग के पास आपका एक मैसेज भेजता है, वो एनालाइज करता है और आपको उसके बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड करता है कि यार टी शर्ट के साथ फ्रीक्वेंटली बाई लोग पैंट्स ये जीन्स की पैंट कर रहे हैं, ठीक है, या टी शर्ट के साथ बाई ये दूसरे टी शर्ट्स कर रहे हैं। तो इस तरह की जो क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस होती है वो भी आपकी इसके थ्रू मेंटेन हो रही होती है, स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू मेंटेन होती है। अच्छा, एक और यूज केस है इसमें सेंसर रीडिंग्स फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस। अच्छा, ये इसके मैंने बॉयलर की एग्जांपल ले ली। इसके अलावा बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस है जो लगी हुई है स्मार्ट सिटीज वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सेंसर है वो कंटिन्यूसली आपका हर एक सेकंड पे जो है डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है यूजर एप्स कैन कंप्यूट क्यूरीज अबाउट द स्ट्रीम, ट्रैकिंग रनिंग काउंट, एग्रीगेटिंग डेटा अर्ली विंडोज। ये वही है कि आप प्रोग्रामेटिकली देखें तो आपका जो यूजर एप्स है लेट्स से स्पार्क हो गया, आपने जो भी एप लिखी है वो अपने कुछ क्यूरीज कंप्यूट कर सकते हैं अबाउट द स्ट्रीम। लाइक एक स्ट्रीम चल रही है, लाइक पानी की स्ट्रीम होती है, इस तरह डेटा की भी स्ट्रीम होती है, डेटा आ रहा होता है, गुजर रहा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप अपने कोई भी क्यूरीज लिख सकते हैं या रनिंग काउंट ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे पास स्टार्ट से लेके अब तक कितना काउंट आया, या आप आर्ली बेसिस पे कुछ डेटा एग्रीगेट कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास पिछले आर में एवरेज, अगर हम बायर की एग्जांपल ले तो पिछले आर में एवरेज मेरे पास टेम्परेचर क्या था, उससे पिछले आर में एवरेज टेम्परेचर क्या था, तो वो आप इस तरह की कैलकुलेशन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे कर सकते हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेप पूछना हो किसी ने, किसी को क्वेश्चन हो? नहीं, सब क्लियर है इसमें? ठीक है जी, नेक्स्ट स्ट्रीम प्रोसेसिंग के कुछ यूज केसेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है नोटिफिकेशन एंड अलर्टिंग। नोटिफिकेशन एंड अलर्टिंग आप किसी भी क्रिटिकल यूज केसेस में ले सकते हैं, आपकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या कोई आपकी बैंक ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं जिसमें आपको नोटिफिकेशन एंड अलर्टिंग रियल टाइम में जरूरी हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रीमिंग को यूज कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस लॉजिक जो है आप पर नोटिफिकेशन और अलर्टिंग जनरेट करा सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम रिपोर्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग अभी करंटली अगर आप लोग नॉर्मली किसी का टेलीकॉम से बैकग्राउंड है या नॉर्मली किसी भी बैंक वगैरह काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होता है कि आपका जो रिपोर्टिंग हो रही होती है वो D-1 पे हो रही होती है, क्योंकि वो बैच वाइज लेके चल रहे होते हैं, तो D-1 लाइक कल की रिपोर्टिंग के पास होगी। लेकिन लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टिल आर करंट आर मेरे पास रिपोर्टिंग हो, तो मेरे पास एक बेटर मैं बिजनेस डिसीजन ले सकूँ आज के बेस पे भी, क्योंकि मैं आज का डाटा मैं कल देख रहा हूँ तो फिर वो उस तरह मैं एक रिपोर्ट का डिसीजन नहीं ले पाऊंगा रियल टाइम के लिए। तो रियल टाइम रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के थ्रू कि आपके पास स्टिल करंट सेकेंड आपके पास डेटा पड़ा हो और उसके ऊपर आपकी डैशबोर्ड बनाओ और उसके ऊपर आपके पास एक एग्जैक्ट रियल टाइम के स्टेट्स पड़े हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने काम किया है सारे D-1 पे चल रहे रियल टाइम यूज केसेस जो है रिपोर्टिंग पर, मैंने अब तक किसी को काम कर रहा हूँ, लेकिन दिस कुड बी द केस, लाइक ये पॉसिबिलिटी है, ये कर सकते हैं, ठीक।
अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके पास, हमारे पास है इंक्रीमेंटल ETL। इंक्रीमेंटल ETL बैच में भी होता है। लाइक लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं मेरे पास एक बैच प्रोसेसिंग की जॉब चल रही है, उसके पास कल तक का डेटा था, आज का डेटा मैंने लाना है, तो मैं क्या करूंगा, वही बैक एंड बैक मैंने डेट दी होगी कि आज के डेट का मैंने डेटा उठाना है, तो आज के डेट का जितना भी डेटा होगा उसके पास, लेट्स से 1 बिलियन रिकॉर्ड होंगे या 2 बिलियन रिकॉर्ड होंगे, वो उठा के ले आएगा। तो वो तो इंक्रीमेंटल ETL जो है वो बैच प्रोसेसिंग में भी चल रहा है, लेकिन इसमें कभी कभी डिसएडवांटेज ये आता है कि लेट्स से मेरे पास काफी बड़ा एक डेटा सेट हो, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास दिन का डेटा जनरेट हो वो बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो। बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि TBs का डेटा हो एक दिन का जनरेट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लेट्स से मैं अगर इंक्रीमेंटल ETL चलाऊंगा भी, मैं एक एक दिन का डेटा उठाऊंगा, तो एक एक दिन का डेटा जो उठाना है, जो 1 TB का डेटा उठाना है, उसको प्रोसेस करना है और राइट कराना है फाइनल स्टेज डेट में, फाइनल डेस्टिनेशन में, तो वो भी काफी टाइम लेता है। लाइक लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो 1 आवर ले ले या 1.5 आवर ले ले, ठीक है, तो वो काफी समटाइम्स क्रिटिकल हो जाता है कि आपको काफी टाइम ले रहा होता है, तो वो बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा होता है या आपकी बैच को डिले कर रहा होता है, बाकी नॉर्मल ETL फ्लोस को हर्ट कर रहा होता है। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे ले जाए। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होगा कि लेट्स से पहले आप पूरे एक दिन का डेटा उठाते थे, अब लेट्स से स्ट्रीम प्रोसेसिंग चल रही है आपकी पूरे दिन 24 घंटे चल रही है, तो ये क्या करेगा, हर 5 सेकंड बाद चेक करेगा कि आपका नया डेटा तो नहीं आया सोर्स में, अगर नया डेटा आया तो वो उठा के टारगेट में फेंक देगा। लेट्स से आपके पास ओवरऑल द डे जो है TBs का डेटा था, तो अगर आप उसको सेकंड्स में डिवाइड करें, आप कहते हैं यार चलो मेरे पास सेकंड में अगर डिवाइड करूँ मैं इसको, तो मेरे पास कुछ MBs का डेटा है, तो कुछ MBs का डेटा प्रोसेस करना आसान है या TBs का डेटा XR का प्रोसेस करना आसान है, कौन सी चीज में फिजिबल होगी? जी एनीवन, कोई मेरी आवाज आ रही है वैसे या? जी जान से मेरा ख्याल है जितना छोटा डेटा होगा उतना ही प्रोसेस करना आसान। तो बेसिकली हम इसी, हाँ जी ठीक है, कि अगर आप आपके पास TBs का डेटा है जो आपने बैच में लेके चलना है, वो बहुत सारा टाइम लेगा, आपकी ETL को हार्ड भी करेगा और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, तो बजाय कि आप उसको इस तरह लेके चले, आप उसको स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर दें और आप उसको छोटे छोटे चंक्स में MBs में डिवाइड करके आपको डेटा उठा कर लिया है, क्योंकि वो प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा आसान है और उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू द TBs डेटा। होगा वही चलेगा जब 24 घंटे पे हुई, तो एट द एंड उसने वही 1 TB डेटा प्रोसेस किया होगा, लेकिन वो उसको चंक्स में 24 आवर के विंडो में कर रहा होगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है जी अपडेट डेटा टू सर्व इन रियल टाइम, ठीक है, ये भी डिफरेंट रियल टाइम रिपोर्टिंग के यूज केसेस हो सकते हैं कि आपके पास कोई अब रियल टाइम में आपने कोई अपडेट्स करनी हो डेटा में या कोई चेंजेस आ रही हो, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपकी एग्जाम्पल ले लें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की, कि आपने डिसीजन लेना है कि यार एक फ्रॉड है या नहीं, तो इस तरह के यूज केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आपके डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं रियल टाइम को। आप रियल टाइम में कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो आप जितने भी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है उसके ऊपर आप अपना रियल टाइम डेटा फीड करा सकते हैं उसको, और अपने रियल टाइम में आप रिजल्ट गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड में कोई यूज केस, किसी के माइंड में कुछ हो, कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो या कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड? वो ये कि देखें बेशक हम इसमें स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे हैं और वापस लाइव डाटा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास इसमें बफर होगा, चाहे वो हम 5 सेकंड्स बाद ही डाटा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें वो स्टोर करा के प्रोसेस करना है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर बता दें कि आई थिंक स्टोरेज है या बफर है कुछ ना कुछ, यानी ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही आप कह दें कि विद इन नो टाइम जो है वो प्रोसेसिंग तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा। अच्छा ये वैसे हमने आगे जाके देखना भी है स्पार्क में, और इसमें होता है प्रोसेसिंग टाइम वर्सेस ट्रिगर टाइम, ठीक है, चलो वो अब डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन इससे बेसिकली होता क्या है कि स्पार्क जो है ना वो माइक्रो बैचेस में चल रहा होता है,
तो माइक्रो बैचेस लेट्स से आप कह लें कि 2 सेकंड का डिफाइन कर दिया, ले आपने 5 सेकंड का डिफाइन कर दिया, विद इन 5 सेकंड आपके पास वो भी जो भी डेटा उठाएगा वो उसको प्रोसेस करके उसी 5 सेकंड की विंडो में उसको प्रोसेस करके राइट भी करा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैच का वो वेट करेगा 5 सेकंड का, वो फिर उठाएगा, फिर जाकर उसको प्रोसेस कर देगा। तो ये जो बफर है आप रख रहे हैं ना ट्रिगर टाइम, ये 5 सेकंड का, तो ये आपको रखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल इन रियल टाइम हो, लाइक जो इन सिंक रेप्लिका हो आपके सोर्स का, 5 to 10 सेकंड्स का बफर तो रखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका है वो है लोअर लेटेंसी, ठीक है, ऑन अ टाइम ऑफ ऑन अ टाइम स्केल ऑफ मिनट्स सेकंड्स और मिली सेकंड। इसमें जो लेटेंसी है आपके पास वो आपके पास कम है एज कम्पेयर टू, अगर आप बैच के देखें तो बैच का आपके पास पूरे दिन की एक लेटेंसी होती है कि यार आपने नेक्स्ट डे प्रोसेस करना है। इसमें क्या होता है कि आप मिनट्स में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, या मिली सेकंड में रख सकते हैं, आप अपने बैच को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग के बैच को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास जो डेटा होता है वो टिल लाइक मिनट्स, अगर आपने मिनट्स रखा तो लास्ट 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट्स का डेटा है, लास्ट 20 मिनट्स का है, या लास्ट 10 सेकंड्स का है, या लास्ट 15 सेकंड्स का आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो इसमें लेटेंसी जो है आपके पास काफी कम होती है। अच्छा, स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैन ऑल्सो बी मोर इफिशियंट इन अपडेटिंग अ रिजल्ट देन रिपीटिंग बैड जॉब्स, ठीक है। ये वही एग्जांपल होगी जो आप इंक्रीमेंटल ईटीएम में डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैन आल्सो बी मोर एफिशिएंट देन अपडेटिंग अ रिजल्ट इन रिपीटेड बैच जॉब्स। लाइक अगर बैच आपके पास काफी ज्यादा आपके पास डेटा है, तो अगर आप उसको एक दिन के लिए प्रोसेस करते हो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको आप स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर आप लोग उसको पढ़े, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू कम्प्यूट वेब ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स ओवर द पास्ट 24 आवर्स, नाइवली इम्प्लीमेंटेड बैच जॉब माइट स्कैन ऑल द डेटा ईच टाइम इट रन्स, ठीक है। वो क्या करेगा, वो हर टाइम इसको प्रोसेस करेगा 24 आवर्स के डेटा को, जब उसको चलेगा ऑलवेज प्रोसेसिंग 24 आवर्स वर्थ ऑफ डेटा। तो इट्स बेटर कि हम उसको क्या करें, स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ले जाए। तो अगर 24 आवर्स का डेटा उसको हम चंक्स में डिवाइड कर ले, लेट्स से हमने 10 सेकंड्स की विंडो डिफाइन की हुई है, तो वो 10 सेकंड्स के विंडो में अपना ही डेटा प्रोसेस करेगा, रादर के हम उसको बार बार अपना पूरा का पूरा एक बैच बार बार कैलकुलेट करें। इस स्टेप को दोबारा पढ़े, कुछ ही समझ नहीं बताई वाली, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3।
जी इसमें क्वेश्चन सुनिए, कुछ पढ़ लिए किसको क्वेश्चंस में? ठीक हो गया जी। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर होता है जी हैंडलिंग डिलेज, अच्छा इवेंट टाइम वर्सेस प्रोसेसिंग टाइम। इसको हम जाके बाद में जब इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उसको डिटेल में देख रहे होंगे कि इवेंट टाइम क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। तो आप कुछ आपके पास डिलेड इवेंट्स आते हैं, आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। सपोर्टिंग हाई थ्रूपुट, ठीक है, आपकी जो थ्रूपुट है वो आपके पास सपोर्ट है इसमें। प्रोसेसिंग ओनली वंस इन द इवेंट ऑफ फेलियर, ठीक है। लेट्स से इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि आपके पास एक कंटिन्यूस स्ट्रीम चल रहा है और आपके पास वो जॉब फेल हो जाती है, तो जब आप उसको दोबारा चलाते हैं तो वो क्या करेगा, जो उसको मैसेजेस वो रीड कर चुका है वो उसको दोबारा रीड नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है ये, एग्जैक्टली वंस प्रोसेसिंग भी आपको गारंटी करता है कि आपके पास कोई रिपीटेड मैसेजेस या रिपीटेड डेटा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? इसमें कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? ले रही हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा ये कुछ ग्राफ्स हैं इवेंट टाइम, ठीक हो गया जी। इसमें आपके पास स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में दो चीजें मेन होती है, एक आपका होता है इवेंट टाइम जिस टाइम पे आपका इवेंट जनरेट हुआ, ठीक है, और एक आपका होता है प्रोसेसिंग टाइम कि आपका किस टाइम पे उसको स्पार्क ने प्रोसेस किया था, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि आपके पास ये कुछ इवेंट जनरेट हो रहे हैं इस टाइम पे और इस टाइम पे उसका प्रोसेसिंग टाइम है कि यार जिस टाइम पे ये इवेंट जनरेट हुआ था और इस टाइम पे ये प्रोसेस हुआ था। तो अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास हो रहा है कि ये 12:08 पे, लेट्स से 00808 पे आपके पास कुछ इवेंट जनरेट हुआ है, ठीक है, और वो प्रोसेस हुआ है 00:01 समथिंग पे, ठीक है। तो उसने एक यहाँ पर एक इन्होंने एक मार्क कर दिया कि यार स्पेसिफिक टाइम पे ये प्रोसेस हुआ है। सिमिलरली ये हर एक 10 सेकेंड की विंडो है, तो उसके बाद आया 14 पे, तो 14 का जो प्रोसेस हुआ है वो अराउंड हुआ है 16 समथिंग पे, ठीक है। इसी तरह 25, तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो लाइन बन रही है, लेट्स से ये इवेंट जनरेट होते जा रहे हैं और एक इवेंट प्रोसेस होते जा रहे हैं, तो एक कुछ लाइन बन रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्या कर रहा है ये प्रोसेसिंग लाइन बता रही है प्रोसेसिंग टाइम इज इक्वल टू इवेंट टाइम, कि आप जिस टाइम पे इवेंट जनरेट हो रहा है उसी टाइम के पास आपके प्रोसेस भी हो रहा है। लेकिन कुछ आपके पास क्या होता है कि कुछ आपके पास डिलेड इवेंट्स भी आते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ डिले आ गया या कुछ डिले प्रोसेस होता है, ये इवेंट आपके पास आया लेकिन ये प्रोसेस कब हुआ, ये हुआ है जी 0 समथिंग पे, 45 या 46 ले ले, लेकिन ये जनरेट हुआ था 25। तो कुछ आपके पास डिलेड इवेंट्स भी आते हैं, ये डिले आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ लेट्स से स्पार्क रिसोर्सेज का कोई इशू आ जाता है तो उसकी वजह से आपके पास कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, स्पार्क भी जो है आपके पास इस तरह का एक कंटिन्यूसली ग्राफ बना के दे रहा होता है कि आप कुछ कौन से मैसेजेस डिले हुए हैं, कौन से मैसेजेस मैसेजेस टाइमली प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आप उसको अपने ग्राफ को मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, चलो एक दो इवेंट्स तो डिले हो जाते हैं, चलो समझ आती है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली हर एक चीज डिले हो रही हो तो ठीक है, फिर उस केसेस में आपको कुछ सोचना पड़ता है, उसको कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है कि इवेंट टाइम क्या है और प्रोसेसिंग टाइम क्या है। इवेंट टाइम वो है कि जिस टाइम पे लेट से सोर्स ने कोई भी डेटा जनरेट कराया या कोई भी डेटा जनरेट हुआ उसका जो टाइम होगा उसको बोलेंगे इवेंट टाइम, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम किसको बोलेंगे कि लेट से हमने डेटा रीड कर लिया स्पार्क में और उसको कितनी देर में हमने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग हमारी कुछ भी हो सकती है, उसको राइट कराना हो, उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो उसका जो टाइम होगा प्रोसेसिंग का उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग टाइम। जी इस ग्राफ को ऐसे देखे जरा एक दफा काइंडली, थोड़ा सा देखिए अगर इस पर कोई चीज समझ ना आ रही हो।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सिंक्रोनस होगी या एसिंक्रोनस, लाइक वो पिछले इवेंट का वेट करेगा कि वो कंप्लीट हो जाए तो मैं नेक्स्ट की प्रोसेसिंग स्टार्ट करूँ, या वो उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा, लाइक हर इवेंट को वो इंडिविजुअली क्रिएट करेगा? नहीं, बेसिकली आपके पिछले इवेंट का वेट करेगा कि प्रोसेसिंग फिनिश करे, ठीक है। अगर इस तरह हुआ कि वो वेट ना करे और इस तरह लेट्स से कोई थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स कंफ्लिक्ट कर जाते हैं, तो आपके पास बैकएंड पे ना रिसोर्सेज के भी इश्यूज आते हैं, आपके पास रिसोर्सेज मैनेज नहीं होते स्पार्क के एंड पे, ठीक है। तो पार्टीशन होंगी, रिसोर्सेज वगैरह, वो भी तो मैनेज करने सारे चीज़, तो वो इस तरह नहीं करता। वो क्या करता है कि पहले इवेंट का फिनिश होने का वेट करता है। तो फिर इसमें जो जैसे हमने देखा कि डिलीवरी डिले, लाइक ये जो इवेंट है इसका प्रोसेसिंग टाइम हाई है, तो इसका ऑब्वियसली फिर इम्पेक्ट फ्यूचर के सब इवेंट्स की प्रोसेसिंग पे जाएगा, राइट? अच्छा, वो अगर आप ऑन एवरेज देखें ना, तो हमने मतलब मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, तो इस तरह बहुत कम केसेस आते हैं और वो आपका ऑन एवरेज ऑफ 22 आवर्स या 24 आवर्स वो कवर हो जाता है, ठीक है। आपके पास काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू इवेंट टाइम, ठीक है। तो वो क्विकली उसको आपके पास एक बैलेंस हो जाता है। और उसके अलावा ये कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जो लेट्स से उसको आना था, इसको 0008 पे आना था, इसका इवेंट टाइम ये था, लेकिन ये 100 से ही लेट प्रोड्यूस हुआ, तो ये आ गया 0025 पे। इस रिकॉर्ड का फिर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास 100 से ही डिलेड आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्या स्पार्क उसको एफिशिएंटली हैंडल वो क्या करते हैं, हैंडल तो कर लेगा, स्पेसिफिक विंडो में उसको डाल देगा, लेकिन होगा क्या, इवेंट वो डिले ही होगा। तो इसलिए इस केस में इसको हम इवेंट डिले कह रहे हैं, ठीक है। नोट के हमारे पास एक प्रोसेसिंग टाइम इशू आ रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर एसिंक्रोनियसली वो चलेंगे सारे के सारे बैचेस, तो लेट से एसिंक्रोनियसली मैं कहता हूँ कि उसने कुछ मैसेजेस प्रोसेस कर लिए और कुछ नहीं किए, और आपकी स्पार्क एप्लीकेशन फेल हो जाती है, तो उस केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने नेक्स्ट टाइम जो डेटा रीड करना है वो किस कहाँ से रीड करना है, क्योंकि आप सिंगल बैच वाइज तो आपको पता होता है कि मैंने डेटा रीड किया था, इतना डेटा मैंने प्रोसेस कर लिया था, तो उसके पास एक ऑफसेट मेंटेन हो रहा होता है कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैंने रिसोर्स से दोबारा डेटा रीड करना है या एप्लीकेशन फेलियर के बाद, तो मैंने स्पेसिफिक ऑफसेट से रीड करना है। तो ये मल्टीपल अगर आपके पास स्ट्रीमिंग चल रही होगी तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि आपके पास ऑफसेट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मसला कर सकता है, ठीक है। लाइक आप फिर शो मेक श्योर नहीं कर पाएंगे आपकी एप्लीकेशन कि मैंने नेक्स्ट टाइम डेटा कहाँ से रीड करना है, कहाँ तक रीड किया था। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन थी इसमें, जो एक्स एक्सिस पे हमने इवेंट टाइम लिया हुआ, ये सिर्फ सेकंड में दिखा रहा है। जैसे अगर फर्ज करें कि मैं से कहता हूँ कि 12:10 पे या 12:20 पे जो है वो एक इवेंट जनरेट हो रहा है, और वाई एक्सिस पे ना, बस प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है। तो ये प्रोसेसिंग टाइम है, ये टाइम है कोई स्पेसिफिक, या आप कह लें कि एक प्रोसेस को एक या एक जो भी हमारे पास इवेंट आ रहा है उसको प्रोसेस करने में जितना टाइम कंज्यूम होता है वो है? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या नहीं, ये एक ये स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर रहा है। हाँ, स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर रहा है। ठीक है, जी जानते हैं। अच्छा, ये काफी सभी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की बात कर रहे हैं। ग्राफ देख के तो मुझे लगता है कि एसिंक्रोनस है, लाइक ये जो चौथा इवेंट है ये। आवाज सही आ रही? अच्छा, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, बाकी सबको समझ नहीं। चेक हमें भी नहीं आ रही। दोबारा बताते जरा जान से, सॉरी। जी आवाज आ रही? जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राफ देख के लगता है कि एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, लाइक ये जो चौथा इवेंट है ये 12:25 का है और 12:50 पे ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये जो पांचवा इवेंट है ये हमारे पास 23 पे आ गया, जबकि अभी ये जो चौथा इवेंट था ये 50 पे कम्प्लीट हुआ। इन दोनों के दरम्यान में ये छोटा इवेंट, सॉरी पांचवा इवेंट अगर हो चुका है 23। आपकी आवाज कुछ ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये एसिंक्रोनस है, ठीक है, और किस स्टेप पे है? लाइक फोर्थ और फिफ्थ इवेंट को अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है।
1 2 3 4 ये 0025 और 0033। इसकी बात करें चाहते हैं जी हाँ, 25 पे आया, 4th event 25 पे आया था और 50 पे कंप्लीट हुआ था, तो इसी दरमियान में पांचवा इवेंट आ गया 33 पे हमारा बीच में आ गया। वो असल में अगर आप इसे देखें तो वो डिलीवरी डिले है, वो इवेंट आया ही लेट था, वो लेट से मैं कहता हूँ कि वो स्पेसिफिक विंडो का इवेंट था, लेकिन वो आया इस टाइम पे, इस वाले प्रोसेसिंग टाइम पे आया, नॉट के वो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि इसे एसिंक्रोनसली वो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, वो इवेंट ही लेट आया था, वो लेट से मैं कहता हूँ कि इस वाली स्पेसिफिक विंडो में आया था तो उधर प्रोसेस हो गया, लेकिन वो स्पार क्या करता है उसको अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके बैंक देता है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक हो। ये असल में ना थोड़ा सा हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ी सी समझ आएगी, इस तरह कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, खैर उसको हम देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इवेंट टाइम क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, आगे जाके मैं ग्राफिकली एक चीज देखेंगे इसकी तो वापस इंशाल्लाह विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके बेसिस पे आपके पास एक प्रोसेसिंग टाइम विंडोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ग्राफ को देखें तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक प्रोसेसिंग टाइम विंडो है, तो आप क्या कर सकते हैं एक स्पेसिफिक इवेंट से आप प्रोसेसिंग टाइम उठा सकते हैं कि ये लेट से 0030 से 0040 के बीच में कितने आपके पास इवेंट प्रोसेस हुए, ठीक है, तो ये आप बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसेसिंग विंडो के बेसिस पे आप एक काउंट उठा सकते हैं कि आपने कितने इवेंट प्रोसेस किए, कितने इवेंट प्रोसेस नहीं हुए, ठीक है। ये पिछला ग्राफ ही है, जैसे एक आपको एक आइडिया दे रहे हैं क्या प्रोसेसिंग टाइम विंडो ये आपकी। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेम वही ग्राफ है, लेकिन अब आपकी आ गई इवेंट टाइम विंडो, ठीक है, कि आपके पास स्पेसिफिक इवेंट टाइम लेट्स से 0030 से 0040 के बीच में कितने इवेंट्स आए आपके पास, ठीक है, तो आपने लेट्स से 0030 से 0040 के बीच में कितने इवेंट्स आपके पास आए और 0030 से 0040 के बीच में आपने कितने इवेंट प्रोसेस किए, तो ये इवेंट प्रोसेसिंग वर्सेस इवेंट जनरेशन का भी काम कर रहा होता है और आपके पास एक स्टैट्स शो कर रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह चल रही है, ठीक है। जी ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली है वाटरमार्क, ये वाटरमार्क अभी आपको कोई खास समझ नहीं आएगा, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उसके कोशिश करेंगे, लेकिन बस अभी इतना समझ लेके वाटरमार्क क्या करते हैं कि आप एक कट ऑफ विंडो डिफाइन कर देते हैं कि मुझे कितने टाइम तक डेटा प्रोसेस करना है मेमोरी में, कितने टाइम तक डेटा प्रोसेस नहीं करना, उसके बाद फ्लश कर दे, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, तो इसको वाटरमार्क को हम अभी एक एग्जांपल करेंगे हम लोग एक डेटा ब्रेक्स पे, ठीक है, तो उसमें हम कवर करेंगे जी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं है किसी के, स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, यूज केसेस होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, उसके बाद इवेंट टाइम क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, ये हमने प्रोसेसिंग टाइम विंडो देख ली, इवेंट टाइम विंडो देख ली, वाटरमार्क खैर हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे बाद में इन प्रैक्टिकल अभी, तो इसके अलावा यहाँ तक प्रीवियसली किसी को क्वेश्चंस हो, किसी के कोई स्टेप मिस हो गया हो। जी एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन या गुड टू गो? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, चलो हमने तो बेसिकली एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग की एक कॉन्सेप्ट पढ़ ली कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती क्या है, तो अब उसके टूल पे आते हैं कि लेट्स से हम जिस भी टूल से करते हैं, काफ़ी सारा टूल्स है मार्केट में, जैसे अपाची फ्लिंक है, स्टॉर्म है, ठीक है, अपाची स्पार्क है, काफ़ी सारा टूल यूज़ हो रहे हैं, तो हम जो स्पार्क है इज़ वन ऑफ द फेमस टूल की जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो, ठीक है,
तो इसको देख लेते हैं कि एज ए स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्पार्क किस तरह काम करता है। अच्छा जी, स्पार्क हैज टू स्ट्रीम प्रोसेसिंग एपीआईज, ठीक है। एक है स्पार्क स्ट्रीमिंग और एक है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग। अच्छा, स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है वो काफी पहले यूज होता रहा, अब ये मार्केट से आउट हो चुका है, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, लेकिन स्टिल इसको कवर करना जरूरी है क्योंकि अभी भी कुछ लेगेसी सिस्टम जो है वो स्पार्क स्ट्रीमिंग को यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से किसी का पाला पड़ जाता है सामने, उसको देखना पड़े तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया यार पहले किस तरह काम होता था, और आपको उसको स्पार्क स्ट्रीमिंग को कन्वर्ट करना हो स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग में तो वो किस तरह करेंगे। तो उन चीजों के लिए आपको दोनों का आइडिया होना जरूरी है कि स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या होता है और स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, स्पार्क स्ट्रीमिंग अगर आप देखें सिंपल, स्पार्क स्ट्रीमिंग एपीआई ऑल्सो कॉल्ड डी स्ट्रीम, ठीक है। ये सबसे पहले स्पार्क में अगर स्ट्रीमिंग की अगर एपीआई बनी थी वो ये बनी थी, स्पार्क कोर स्ट्रीमिंग एपीआई बनी थी, और इसको कहते हैं डी स्ट्रीम्स। डी स्ट्रीम्स का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रीम्स, ठीक है। ये क्या करता था कि यूज डेटा इन माइक्रो बैचेस, स्पीड पेस्ट एट फिक्स इंटरवल्स, लाइक हर एक 5 सेकंड के एक माइक्रो बैच बनाता था, ठीक है। और उसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह वो सारी की सारी चीजें आरडीडी वगैरह की होती थी। अगर आप लोगों ने लास्ट का अगर आपको लेक्चर याद हो तो हमने आरडीडी कवर की थी और डेटा फ्रेम कवर किए थे। तो डेटा फ्रेम पे काम करना ज्यादा आसान था या आरडीडी पे काम करना ज्यादा आसान? डेटा फ्रेम्स ठीक है, तो स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या कर रहा है, तो ये आरडीडी यूज करता है, और स्पार्क स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग क्या करता है, ये डेटा फ्रेम यूज करता है। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग को देखें तो ये डेटा फ्रेम बेस्ड एपीआई बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अपाची स्पार्क सीक्वल, और इसमें क्या हुआ, एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूसेस द नोशन ऑफ कंटिन्यूअस क्यूरीज ऑन एन अनबाउंडेड टेबल, ठीक है। इसमें पहले क्या होता था कि आपके पास एक स्पेसिफिक एक बैच बनता था, माइक्रो बैच बनता था, आप उसको प्रोसेस करते थे और आप उठा के राइट कराते थे। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक अनबाउंडेड टेबल का एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास एक टेबल है और उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली आपका डेटा स्ट्रीम होता जा रहा है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम उसके ऊपर आप अपनी कोई स्पार्क की क्यूरी या सीक्वल क्यूरी उसके ऊपर थ्रो कर सकते हैं, उस पर अनबाउंडेड टेबल के ऊपर उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो उसको प्रोसेस करके आपके पास शो कर देगा। तो एक आपके पास कॉन्टिन्यूसली क्यूरीज ऑन अनबाउंडेड टेबल बीइंग कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड विद रिकॉर्ड फ्रॉम स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको आके देखते हैं जी, अगर हम स्पार्क स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसके अंदर होता था माइक्रो बैच स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल डिवाइड द डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम इनटू 5 सेकंड माइक्रो बैचेस, ठीक है। ये आपके पास इनपुट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और ये हर एक 5 सेकंड के बाद आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 सेकंड का डेटा आया, ये 5 सेकंड का डेटा आया, उसके बाद लेट्स से आपने क्या किया उसको फिल्टर एंड काउंट द माइक्रो बैचेस यूजिंग टास्क। आपने कोई भी टास्क असाइन कर दिए, आपके पास प्रोसेस डेटा आ रहा है तो आप उसको राइट करा रहे हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं कि ये फॉल्ट टॉलरेंस बिल्कुल है इन केस ऑफ फेलियर्स, एंड टू एंड एग्जैक्टली वंस प्रोसेसिंग गारंटी। ये क्या करता था कि आपको गारंटी देता था कि आपके पास एंड टू एंड प्रोसेस जो है वो एक ही दफा प्रोसेस हो रहा है, बार बार आपके पास कोई डुप्लीकेटेड डेटा नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या है, लेटेंसी कैन नॉट वर्क फॉर रियल टाइम, क्योंकि सिंस आपको माइक्रो बैचेस में डिवाइड करते हैं तो आपके माइक्रो बैचेस जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू, आपको कोई स्पेसिफिक विंडो डिफाइन करनी पड़ती है 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, और वो उससे भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइक आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एग्जैक्ट जो पीछे आपके पास जो सोर्स सिस्टम पड़ा हुआ है उससे आपके पास कोई 1 मिनट का या 20 सेकंड का या 30 सेकंड का डिले होगा, ठीक है। तो उसको आप एग्जैक्टली रियल टाइम नहीं कह सकते थे। दूसरा इसका जो बड़ा चैलेंज है वो है बिल्ट और आरडीडी एपीआई, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रामिंग करना काफी मुश्किल था एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग, क्या आपको आरडीडी के साथ काम करना पड़ता था, ठीक है। आरडीडी के साथ खैर आजकल बहुत कम ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको आती है वो उनको बहुत अच्छी आती है, और जो अभी करंटली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं स्पार्क तो वो डायरेक्ट डेटा फ्रेम से शुरू करते हैं, तो उनको आरडीडी का आइडिया ही नहीं होता कि क्या है, और इस पर काम करना एज कम्पेयर कंपेरेटिवली डेटा फ्रेम को मुकाबले में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज था आपके पास स्पार्क स्ट्रीमिंग में। जी, इसको देखें जरा और दोबारा पढ़ें एक दफा, बताएं क्या कोई चीज समझ आ रही है।
जी पढ़ लिए। जी कंफ्यूजन कोई क्वेश्चंस किसी के? चल ठीक है। अच्छा अब आते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग पे। स्ट्रक्चर में क्या था कि अ सिंगल यूनिफाइड प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इंटरफेस फॉर बैच एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब अगर आप बैच डेटा को प्रोसेस करते थे वो डेटा फ्रेम बेसिस पे, अब सिंपल क्या हो रहा है, पहले अगर आप स्पार्क डेटा फ्रेम को यूज करते थे तो वो आप डेटा फ्रेम्स को जो है आप स्ट्रीमिंग में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब से स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग आया तो इन्होंने क्या कर दिया कि आपको डेटा फ्रेम की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी है। स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग में आप प्रोग्रामिंग जो है डेटा फ्रेम्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा ट्रीट्स द अनबाउंडेड स्ट्रीम एज अ कंटिन्यूअसली अपेंडिंग टेबल। तो ये अगर आप नीचे एक टेबल देखें, आपके पास जो भी नया डेटा स्ट्रीम आ रहा है हर सेकंड के बाद वो क्या कर रहा है, वो एक जो नई रोज आ रही है वो उसको अपेंड करी जा रही है एक मेमोरी टेबल के अंदर। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड्स इन द डेटा स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू रोज अपेंडेड टू एन अनबाउंडेड टेबल। ये एक अनबाउंडेड टेबल है ये आपके पास कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता जाता है। तो जो आपके पास स्ट्रीमिंग का डेटा आ रहा है हर सेकंड बाद या हर 5 सेकंड बाद, ठीक है, वो इसके अंदर पुश होता जा रहा है। अब इस टेबल के ऊपर जो है आप कोई भी क्यूरी कर सकते हैं, तो आपके पास रियल टाइम में आपके पास क्यूरीज का रिजल्ट आ रहा होगा। लेट्स से हर एक 5 सेकंड के बाद इसके अंदर डेटा अपेंड भी हो रहा है, और अगर आप कोई क्यूरी भी कर रहे हैं तो उसके पास जो भी डेटा टिल डेट मौजूद होगा उसके ऊपर आपके पास क्यूरी कर रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया अनबाउंडेड टेबल का किस तरह मॉनिटर हो रहा है। नहीं ये कंट्री एक ऊपर फिट कर रहे। अच्छा बेसिकली अगर हम स्ट्रीमिंग की बात करें स्पार्क स्ट्रीमिंग की, उधर क्या हो रहा था, उसके पास आपका जो भी डेटा आता था उसको बेसिकली एक स्पेसिफिक मैक्रो बैच असाइन करके वो एक स्पेसिफिक बैच होता रहा। लेट्स से उसको मैं कहता हूँ कि उसमें 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का डेटा होता था, तो आप उस पर जो भी प्रोसेसिंग करते थे वो करके आप उसको राइट करा देते थे। ठीक है, अब अगर हम स्पार्क स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग की बात करें, इसके बाद इस पे आपके पास क्या है, एक अनबाउंडेड टेबल है। लेट्स से आप कहते हैं कि आपका जो 1 से लेके 5 सेकंड का डेटा था, 5 से 10 था, 10 से 15 था, वो सारा का सारा डेटा आपके पास एक अनबाउंडेड टेबल में अपेंड होता जा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 सेकंड से लेके 20 सेकंड का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, 1 सेकंड से लेके उससे पीछे जितना भी डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं अगर वो अनबाउंडेड टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो आप अपनी कोई भी क्यूरी फिल्टर के साथ बियर वगैरह लगा के आप कोई डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जबकि माइक्रो बैचेस में बात करें तो आप एक माइक्रो स्पेसिफिक माइक्रो बैच तक लिमिटेड थे। इसमें क्या है कि आपके पास अनबाउंडेड टेबल है, आप इसमें रियल टाइम में कोई भी क्यूरी कर सकते हैं जितने भी आपके पास डेटा आ रहा है वो जितने भी माइक्रो बैचेस का डेटा। गॉट इट। एक और क्वेश्चन है, लाइक अनबाउंडेड टेबल की जो लाइक लिमिट है वो हम खुद से डिफाइन करते हैं? हाँ, वो अब थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी वाटर मार्किंग, मैंने कहा आपको उसको बाद में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में क्योंकि वो समझ नहीं आनी। तो फिर आप क्या करते हो, वाटर मार्क डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम अभी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में करेंगे भी तो आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, उसको फिर कर ले। ठीक हो गया। जी तो इसमें किसी की और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक में? ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगर इसको देखें हम, क्या हो रहा है कि लेट से ये आपके पास एक इंक्रीमेंटल एग्जीक्यूशन और ये स्ट्रीमिंग डेटा की, ये ट्रिगर वन के ऊपर आपके पास डेटा है इनपुट टेबल के अंदर जो अनबाउंडेड टेबल, हम उसकी एग्जांपल ले रहे हैं डेटा अप टू T1, लेट से टाइम स्टैम्प 1 कह रहे हैं जो भी कह रहा है। ठीक है, ट्रिगर वन उसके ऊपर आप क्या आ रहा है, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है सेम अभी
T2 आया, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास याद है पड़ा हुआ डेटा। अब यूजर आया, वो उस टेबल के ऊपर कोई भी क्वेरी करता है, लेट्स से सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम या सिलेक्ट सम ऑफ एवरेज ऑफ रेवेन्यू या जो भी है। तो अब लेट्स से इसके अंदर 2 ट्रिगर्स तक डेटा पड़ा हुआ है तो वो उसको शो कर देगा। लेकिन लेट्स से मैं कहता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जब यूजर ने क्वेरी करनी है उस टाइम ट्रिगर ट्री का डेटा भी आ चुका है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब जब यूजर क्वेरी करेगा तो वो अब ट्रिगर 1, ट्रिगर 2 और ट्रिगर 3 दोनों का डेटा, तीनों का डेटा जो है वो उठा लेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अनबाउंडेड टेबल का कि उसके बाद जितने भी ट्रिगर्स का डेटा आ रहा होगा उसके बाद वो क्यूरी कर रहे होंगे तो वो ओवरऑल एक अनबाउंडेड टेबल के ऊपर क्यूरी कर रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सी चीज क्लियर हुई है अनबाउंडेड, ठीक है। अच्छा अब अगर इसकी यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो यूजर राइट क्यूरीज ऑन द कंसेप्चुअल इनपुट टेबल, क्योंकि अनबाउंडेड टेबल है वो कंसेप्चुअल है, ठीक है, वो एक फिजिकल टेबल नहीं है, मेमोरी में स्टोर हो रहा था आपका। अच्छा स्ट्रीमिंग इंजन कन्वर्ट्स द बैच लाइक क्यूरी इनटू स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूशन प्लान, तो आप लेट से कोई भी यूजर अपनी क्यूरी इंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो आपका एग्जीक्यूशन इंजन है स्ट्रीम का वो उसको बैच लाइक क्यूरी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग चेक्स फॉर न्यू डेटा व्हेनेवर अ ट्रिगर क्रिएटेड बाय यूजर इज एनकाउंटर्ड, लेट से आपने कोई 5 सेकंड का डेटा ट्रिगर डिफाइन किया कि हर 5 सेकंड के बाद उसको डेटा चेक करना, तो वो क्या करेगा, वो ट्रिगर को हिट करेगा और उसके बाद अगर कोई नया डेटा आ गया तो वो आपके पास अनबाउंडेड टेबल में अवेलेबल कर देगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप इसको राइड कहाँ कहाँ करा सकते हैं, ठीक है, उसके क्या 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 मोड्स हैं, अपेंड मोड होता है, अपडेट मोड होता है, कंप्लीट मोड होता है, उसको भी हम इन डिटेल देखेंगे प्रैक्टिकल के दौरान, ठीक है। तो अगर आउटपुट टेबल देखें तो कहाँ कहाँ राइड कर सकते हैं, इसके अंदर हम HDFS के अंदर राइड करा सकते हैं, S3 के अंदर राइड करा सकते हैं, इसके अलावा Azure का है, Azure डेटा लेक उसके अंदर राइड करा सकते हैं, Cassandra हो गया, जितने भी डिफरेंट डेटा बेसिस हैं, MySQL वगैरह, उन सब में आप अपने स्ट्रीमिंग के डेटा को फाइनली राइड करा सकते हैं, ठीक है। जी ये स्लाइड जरा खाली हम लोग दोबारा पढ़ें और बताएं तो कुछ क्वेश्चंस हो या जी तलहा आपको कोई क्वेश्चन है? चलिए जी ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा ये इन्होंने एक्सैम्पल क्यूरी लिखी हुई है, हम इस क्यूरी को कवर नहीं करेंगे, हम उसको एप्लीकेशन में डायरेक्ट प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। तो अभी तो मुझे ये बताइए आपके पास जो डेटाबेस कम्युनिटी वर्जन है वो किस किस के पास अप टू मतलब अप हो चुका है, किस किस के पास रनिंग है, किस किस डेटाबेस के कम्युनिटी अकाउंट बना हुआ है, काइंडली एड्रेस कर देंगे। फरहान, कमर, हसन, उसके बाद अच्छा बाकी अमन सलीम, फसीउद्दीन, हादिया, मौजम शाहिद, आमिर, जानजेब, साहिब हाशमी, आप लोग अकाउंट बना हुआ है या बनाना है अभी आप लोग ने? नहीं अभी इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अच्छा मौजम शायद का मैसेज आया बनाना है अभी, काइंडली आप ना इसको थोड़ा सा जल्दी से बना लें ताकि आप प्रैक्टिकल में भी साथ लेके चलें। तो अभी वो मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड की थी, आप उसको फॉलो करके बना लें क्विकली, आपको 5 मिनट लगने हैं।
तो फिर आप बता दें चैट में कि अगर आपका बन जाए। सिमिलरली आमिर साइम हाशमी, आप लोग के अकाउंट बने हुए हैं? चलिए ठीक है, आप वीडियो करके बना दें। इसके बाद साइम और आमिर, आमिर आपका बना हुआ अकाउंट या सॉरी आपका हैंड रेज अभी? जी बना हुआ। ठीक हो गया, फिर बेहतरीन है। अच्छा, जस्ट फॉर द आइडिया, अगर जिनके पास अभी डेटाबेस अकाउंट बन चुका है, ठीक है, तो उनके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी उसमें लॉगिन करने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 5-6 मिनट, जो लोग अकाउंट बना रहे हैं उनका अकाउंट बन जाए। तो बाकी मौजम और जो भी आपका आदि आपका अकाउंट बना रहे हैं तो इधर काइंडली ग्रुप में मैसेज कर देना जैसे अकाउंट बन जाए आप लोग। इसके अलावा आप लोग ने जो सेकंड स्टेप करना है वो आपने आना है जी LMS पे, और आपने लाइब्रेरी में आके
आपके पास होगी डेटाबेस के नाम से थोड़ी होगी, ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो डेटाबेस को आप लोगों ने डाउनलोड करना है और फिर आप इसको बाद में इसमें इम्पोर्ट करेंगे। तो अभी काइंडली जैन के पास भी आपके पास कम्युनिटी वर्जन अपडेट आप है, तो आप क्या करें डेटाबेस की जो फाइल्स है वो डाउनलोड कर लेंगे पास। अच्छा जी, सबने फाइल डाउनलोड कर ली डेटाबेस फाइल वाली? जी डाउनलोड तो कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटाबेस के इंट्रोडक्शन से, कि डेटाबेस बेसिकली आपको सबको पता ही है कि डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग की कंपनी है और मोस्टली जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पार्क से रिलेटेड कर रही है और बेसिकली बनाई भी उन्होंने थी जो स्पार्क के बेसिकली जो ओनर है जो जिसने स्पार्क बनाई थी। तो अच्छा, अब आप सबसे पहले आते हैं तो आप इसके वर्कबेंच में आते हैं, आपके सामने यहाँ पर डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करनी है हमने। इसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग का एक ऑप्शन होता है अगर किसी ने मशीन लर्निंग पे काम करना हो। उसके अलावा आपके पास एक थर्ड ऑप्शन होता है SQL का। तो वो सिंपल अभी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लेक हाउस निकाला वेयर हाउस, ठीक है, उसमें आप SQL पे काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग में ही काम करेंगे। इसके अलावा आपके पास ये क्रिएट के ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट में आप नोटबुक बना सकते हैं, टेबल क्लस्टर ये भी बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कस्पेस में आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में आप अगर अपना कोई कोड वगैरह रखते हैं या डिफरेंट यूजर्स हैं उसके अंदर कोड वगैरह पड़ा हो तो आप वो रख सकते हैं। रिसेंट में आपने जो भी काम किया है, सर्च करना चाहे कोई नोटबुक को, डेटा अगर आपके पास कोई टेबल्स या डेटा बेसिस वगैरह यहाँ पर पड़े हो, ठीक है, तो आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा वर्कफोर्स है या इसमें सपोर्टेड नहीं है, वर्कफोर्स जो है उसके लिए आपके पास वो प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ता है, तो कम्युनिटी वर्जन में वर्कफोर्स होते ही नहीं है। ठीक, बात है जी हम कंप्यूटर पे, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक स्पार्क का क्लस्टर बनाना पड़ता है क्योंकि क्लस्टर पे ही आपका एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल एक UI है डेटाबेस की, इसके अंदर आपने क्लस्टर बनाना है स्पार्क का जिसके ऊपर आप अपना काम कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करते हैं और इसको मैं कह देता हूँ जी
मैं क्लस्टर का नाम दे देता हूँ, और मैं वर्जन जो है इसका 3.2.1 वर्जन इसका मैं यही रन देता हूँ बाई डिफॉल्ट, मेरे पास आ रहा है। बाकी इसमें मजीद हमारे पास कोई ऑप्शन होती नहीं है मेमोरी बढ़ाने की, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन है तो इसमें हमारे पास ये 15 GB मेमोरी होती है, ठीक है, वन ड्राइवर होता है और उसमें 2 कोर्स होते हैं। बाकी अवेलेबिलिटी जोन हम स्क्वाटो रख लेंगे जहाँ से मेरे इसको, बाकी प्रॉपर्टीज ठीक है हाल में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्रिएट क्लस्टर कर देंगे। तो ये अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा, तो आप लोग भी क्या करें, सबसे पहले अपना एक क्लस्टर बनाएं और उसको बेशक कोई भी नाम दे दें, माई क्लस्टर या कुछ भी। जी आप में से किसी का क्लस्टर बन गया? मेरा तो खैर अभी तक अप ही हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभी टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। किसी को भी बन गया हो क्लस्टर, यहाँ पर ग्रीन कलर का वो आ गया हो? सेम स्टेटस है हमारा भी। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
जी डन हो गया। आपके पास भी हो गया? नहीं अभी तक नहीं हुआ। चल तो उसे वेट कर लेते हैं। मेरे पास तो हो गया है, प्लस से मेरा अप हो गया है। चल अगर मैं वापस यहाँ पर कंप्यूट में आता हूँ तो मेरे पास ये क्लस्टर शो हो रहा होगा, उसका रन टाइम, उसकी एक्टिव मेमोरी, अवेलेबल कोर्स कितने हैं। ठीक है, ये मीन ऑयल आप लोगों का क्लस्टर अप हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसके क्लस्टर का भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अगर आप क्लस्टर पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें इसकी मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक अगर आप इधर आते हैं नोटबुक्स पे, ठीक है, तो कितनी नोटबुक्स का भी करंट क्लस्टर पे चल रही है तो वो यहाँ पर शो हो रही होती है। अभी करंटली क्योंकि क्लस्टर बिल्कुल फ्रेश है तो इसमें कुछ नहीं चल रहा होगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा लाइब्रेरीज में अगर आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पाइथन की हो गई या कुछ भी लाइब्रेरीज हो गई आप इसमें इंस्टॉल कराना चाहते हैं डेटाबेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप पाइथन की करना चाहते हैं या मेवन जावा की करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी का नाम दे सकते हैं। अगर आप पाइथन में करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना पैकेज का नाम दे सकते हैं, लेट्स से पांडा हो गया या कुछ भी। ठीक है, और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप लाइब्रेरीज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट लॉग होता है। इवेंट लॉग स्पेसिफिकली आपको क्लस्टर का होता है कि अभी आप हम जो क्लस्टर कर रहे थे तो वो कह रहा था क्रिएटिंग, अभी उस टाइम वो क्लस्टर बना रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब रनिंग पे आ गया, क्लस्टर इज रनिंग। अब ये क्या है, ड्राइवर हेल्दी, अब ड्राइवर इज हेल्दी। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ आपके पास इवेंट लॉग जो है क्लस्टर से रिलेटेड मैनेटर हो रहे थे, आप बन रहे होते। इसके अलावा है जी स्पार्क यूआई। अभी जब हमने पिछले वीक जब हमने कवर किया था स्पार्क को तो उसमें देख रहे थे हमने एक अलग से पॉड में उसकी यूआई खोलते थे। तो अगर आपने यहाँ पर अगर इसकी यूआई मॉनिटर करनी है तो आप यहाँ पर जाके इसकी स्पार्क यूआई में जाके इसकी एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी जॉब्स बन रही है, उसके बैकएंड पे डैक्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, इवेंट टाइमलाइन क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग स्पार्क यूआई। उसके बाद आपके पास कुछ ड्राइवर लॉग्स होते हैं। ड्राइवर लॉग्स बेसिकली इसका एक्सटेंडेड आउटपुट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आपके पास ड्राइवर पे कुछ भी परफॉर्म हो रहा है तो आप यहाँ पर आपके उसके लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई कल्प्रिट वगैरह कोई एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रही, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ मेट्रिक्स वगैरह ये डेटाबेस को प्रोवाइड करता है, जेंजीला यूआई की मेट्रिक्स होती है आपके क्लस्टर का लोड चेक करने के लिए कि आप क्लस्टर पे लोड क्या है, तो इस तरह के ग्राफ शो हो रहा होता है। ठीक, तो इसके अलावा एप्स जो है ये इस पर खैर मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन लेट से कोई आपके पास आर स्टूडियो सर्वर या कोई और इस तरह एक्सटर्नल ऐप जो है इसका कनेक्टेड है क्लस्टर के साथ, तो उसे क्या स्टेटस है, आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं। और ये मास्टर यूआई है। ठीक है, इसके अंदर ये वही सिंपल ही है। स्पार्क यूआई जो है स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड होती है, और एक मास्टर यूआई जो है ओवरऑल एक क्लस्टर बेस्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल आपके पास, तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था इसका क्लस्टर का। अब किस किस पास क्लस्टर आप हो गए? ठीक जी मेरे पास हो गया। है जी, चले जी, ऑलमोस्ट में हर में सबके पास ही हो गया है। अब हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपने पास वर्क स्पेस में, और वर्क स्पेस में मैं आता हूँ बैक, और यहाँ पर आता हूँ शेयर्ड में। अच्छा, शेयर्ड में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक फेमिलियर हो जाते हैं डेटाबेस के साथ। अगर किसी को आइडिया नहीं है डेटाबेस के साथ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर शेयर्ड पे अगर आप यहाँ पर देखें आपको वैसे एरो आ रहा होगा, उस पर क्रिएट का ऑप्शन, तो मैं इधर सबसे पहले करता हूँ नोटबुक। मेरी लैंग्वेज जो है मैं बाई डिफॉल्ट जो है पाइथन सिलेक्ट करता हूँ, पाइथन में ही काम कर रहे हैं। आप सीक्वल, स्काला, आर कोई भी चूज कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप, मैं कहता हूँ माई फर्स्ट नोटबुक, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्लस्टर कौन सा अटैच करना है, मेरे पास एक क्लस्टर है माई क्लस्टर, तो मैं वही अटैच करूंगा और मैं क्रिएट करूँ। अब अगर मैं वर्कस्पेस में आता हूँ
आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स से अभी हमारे पास स्टैंडर्ड जो है पाइथन की नोटबुक है, तो यहाँ पर आप पाइथन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, लाइक आप प्रिंट लगा दें हेलो वर्ल्ड, ठीक है मैं। और इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रन कर सकते हैं, रन सेल्फ। ठीक है, मैं जो यूज करता हूँ प्रैक्टिस में, शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो वो हो जाता है। प्रयास डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्रयास आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी एक मिनट, ये जी अब आगे सुनिए, वो मैं हमें कोई और चेंज हो गया था। जी जी ओके यार, अच्छा आप यहाँ पर जो है ये पाइथन का कोड आप नॉर्मल चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेट से आपने कोई और कोड चलाना हो, एससी का कोड चलाना हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज एसएच। तो परसेंटेज एसएच के अंदर आप लेट से मैं कहता हूँ एलएस करता हूँ, तो स्पेसिफिक जो नोड है उसके अंदर बैकेंड पे क्या पड़ा हुआ है, एचओवर कॉन्फ इवेंट लॉग्स फोल्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप यह कमांड भी चला सकते हैं। अगर आपने स्काला का कोड लिखना है तो आप लिखते हैं परसेंटेज स्काला, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना स्काला का कोड लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा। तो आप ये परसेंटेज की कुछ कमांड्स जो है इस पर यूज कर सकते हैं नोटबुक में, आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं सीक्वल यूज करता हूँ परसेंटेज एसक्यूएल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट नेम एस नेम। ठीक है, तो अगर परसेंटेज सीक्वल दूं मैं यहाँ पर, तो मैं इसको देखिए मेरे पास सीक्वल चल गई है। ठीक है, तो इससे चला सकता हूँ, है ये नोटबुक पाइथन की, लेकिन अगर आपने कोई और क्रॉस लैंग्वेज अगर कोई चीज़ चलानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एक मैजिक कमांड होती है, एसक्यूएल चलानी हो, एसएच चलाना हो, स्काला चलाना हो, आर चलाना हो, तो सारे कर सकते हैं। पाइथन जो है वो आप डायरेक्ट जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नोटबुक एसक्यूएल की है और आपने पाइथन चलाना हो तो फिर आप क्या करते हैं जी, परसेंटेज पाइथन और उसके अंदर फिर आप अपने कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह काम कर सकते हैं इसके अंदर। ये चीज थोड़ी सी फेमिलिटी होगी नोटबुक के साथ, के नोटबुक बना ली हमने, उसके अंदर थोड़ा बहुत हमने बेसिक काम किया है और चलाया है कोड को, इसके साथ फेमिलिटी हो गई है, इसमें कोड के साथ चलाते हैं। जी ये तो जुपाइटर नोटबुक की तरह सिमिलर है ना बिल्कुल। हाँ जी अभी आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने आना है शेयर्ड पे, और आपके पास जो फाइल थी यहाँ पर जो आपने डाउनलोड की है वो आपके पास एक जिप फाइल होगी, उसमें उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर आपके पास होगी python.dbc फाइल होगी एक, ठीक है, तो उसको जरा काइंडली एक्सट्रैक्ट करें। बताएं ब्रदर जी, python.dbc आ गई है। ठीक है, तो आप लोग के पास जब आपके पास एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास पाइथन डीबीसी की फाइल आ जाएगी, तो आपने आना है डेटा ब्रिक्स पे और आपने आना है शेयर्ड में, और शेयर्ड पे यहाँ पर आपके पास एरो नजर आ रहा है छोटा सा शेयर्ड के आगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने क्लिक करना है इम्पोर्ट पे। तो जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा URL का और फाइल का, तो हम फाइल को ही चूज करेंगे और अपने ब्राउज करके अपने जहाँ पर भी आपकी पाइथन डीबीसी फाइल पड़ी हुई है उसको आप डबल क्लिक करके इंपोर्ट करा लें। ठीक है, काइंडली सारे ये जरा स्टेप परफॉर्म करें, आपके पास जो भी डीबीसी फाइल जहाँ भी पड़ी हुई है आप ब्राउज करके उसको क्लिक करके इंपोर्ट करा लें।
अच्छा, जब आप लोगों के पास इंपोर्ट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर ना शेड में एक पाइथन का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है? आ रहा है सबके पास इस तरह? जी आ गया, अपलोड हो रही है, ठीक अपलोड हो रही है भी। ठीक है, ठीक। मेरे पास आप लोगों को देख रहे हैं, मेरे पास काफी चीजें नजर आ रही है, मैं डिफरेंट काम करता रहता हूँ तो मेरे पास काफी इसमें चीजें होगी, ठीक है? तो ये मेरे पास डिफरेंट नोटबुक्स है। अच्छा, ये जो पाइथन का जो फोल्डर है, इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है आप देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा एक आपके पास पास का, मशीन लर्निंग का, स्ट्रीमिंग का, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक नोटबुक का कोर्स है। ये जो डेटा ब्रिक्स प्रोवाइड करता है, डेटा ब्रिक्स इसके $200 चार्ज करता है, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्टेंट हमें से किसी ने उठा लिया था कोर्स, और उसका जो कॉन्टेंट है वो हमने कॉपी करके यहाँ पर रख दिया है, ठीक है? तो ये जो कंटेंट है, ये जो डेटा बेस इसकी और ट्रेनिंग देता है, सेम यही ट्रेनिंग कंटेंट दे रहा होता है, तो उसके वो $200 चार्ज करता है, ठीक है? ठीक हो गया। तो ये मतलब डेटा बेस का ही प्रोवाइडेड कोर्स है, और ये इसे काफी ज्यादा चार्जिंग कर रहा होता है वो स्टूडेंट्स को। चले, ये हमारे पास है, मैं आपको दे दिया, आप इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें आते हैं, सबसे पहले एजेंडा लिखा होगा, DB 100 ओवरव्यू, तो ये आप देखेंगे इसको अंदर पूरे एक ओवरव्यू बताया होगा आपने क्या करना है, 1 डे PM में क्या करना है, ठीक है? सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप आते हैं क्रैश कोर्स में, अपाची स्पार्क ओवरव्यू, रीडिंग CSV, लैब वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशनड है। फिर अगर आते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि अभी यहाँ पर हम स्पार्क इन डिटेल कवर नहीं करेंगे, या मैं आप छोड़ रहा हूँ कि आप अगर खुद से मजीद अगर स्पार्क को देखना चाह रहे हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? ये Day 3 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका शायद है ट्यूनिंग का, अगर आपने कोई ट्यूनिंग वगैरह करनी है इसकी, तो खैर ये इसमें हमें मेंशन नहीं किया हुआ। इसके अलावा है जी मशीन लर्निंग, उसके स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसेस बताया। मैं आपको बात ब्रेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि देखें, डेटा ब्रिक्स पे हम आ तो गए हैं, लेकिन डेटा ब्रिक्स का पर्पज क्या है? क्या स्पार्क का वाला सारा काम इस पे होगा, या ये पूरा एंड टू एंड बिग डेटा की मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग का प्लेटफॉर्म? अच्छा, डेटा बेस जो है ना, वो क्लाउड बेस्ड आपके पास अपाचे स्पार्क प्रोवाइडर है, ठीक है? अगर आप स्पार्क की एप्लीकेशन जो है ना क्लाउड में चलाना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो डेटा ब्रिक्स है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप ये क्या कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं डेटा ब्रिक्स वाले, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बैच एप्लीकेशन भी चला सकते हैं स्पार्क में, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। अब इन्होंने अपना एक वेयर हाउस निकाला है जिसको लेक हाउस कह रहे हैं, ठीक है? तो इसमें वेयर हाउस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो इनका जो क्या कह सकते हैं पेड वर्जन है, ठीक है? तो डेटाबेस क्या है, कम्प्लीटली एज अ होल एक क्लाउड सोल्यूशन है। इसके अंदर आप पूरी की पूरी डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक कम्प्लीटली एक बिग डेटा सोल्यूशन है आपके पास। इसकी अपनी स्टोरेज है, इसकी अपने पास अपने वेयर हाउस है, इसका अपना प्रोसेसिंग इंजन है, ठीक है? तो आप एक्चुअल बिग डेटा के क्लस्टर नोड अपने ऑन प्रेम अपने उसमें रख लें डेटा सेंटर में, और स्पार्क वाली सारी प्रोसेसिंग जो है वो डेटा ब्रिक से ऑन क्लाउड कर लें, क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं कि अपने डेटा जो है ऑन प्रेम रखें, और वो बिल्कुल चीजें पॉसिबल है, जनरली यही होता है ना, बिग डेटा का पूरा सलूशन ऑन प्रेम ही होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ हाँ, तो सवाल ये है कि उस केस में डेटा ब्रिक यूज करने का कोई फायदा होगा? नहीं, ऑन प्रेम में अगर आपके पास डेटा ऑन प्रेम ही पड़ा हुआ है तो नहीं, उस केस में फिर आपके पास डेटा ब्रिक यूज करने का फायदा नहीं होगा एज सच।
डेटाबेस आप एक्सपेक्ट करता है कि उसकी फाइल जो है आपके पास जो फाइल्स पड़ी होगी वो क्लाउड में पड़ी होगी या तो S3 में पड़ी होगी या एजोर के किसी स्टोरेज में पड़ी होगी, ठीक है? तो और ये मोस्टली आप अगर आप देखेंगे, खैर पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन ओवरऑल अगर आप बाहर देखेंगे तो हर कोई डेटाबेस ही यूज कर रहा है, कोई 90% ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस यूज कर रही है जो डेटा के साथ काम कर रही है, ठीक है? तो बहुत फेमस टूल है ये और ये क्लाउड बेस्ड। इसका मतलब जो हुआ वो ये हुआ कि इन फ्यूचर जो है अभी हमने जितनी 8 क्लासेस पढ़ी हैं और जिसमें हमने ऑन प्रेम सॉल्यूशन पढ़ा है बिग डेटा का, वो सारा का सारा इवेंचुअली क्लाउड पे मूव हो जाएगा और डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग। दोनों कह सकते हैं, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ऑन प्रेम जो है वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा पाकिस्तान में या जितने भी बाहर भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाउड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो तो स्टिल ऑन प्रेम यूज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर ओवरऑल बाकी आप डिफरेंट कंपनीज को देखें जिनका डेटा का कोई इतना इशू नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्लाउड को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो डेफिनेटली क्लाउड की बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑन प्रेम, लेकिन स्टिल ऑन प्रेम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऑन प्रेम की भी पोजिशन है, ठीक है? ठीक है सर, हम प्राइवेट क्लाउड भी तो रिक्वायर कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड पे ना वो आपको कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम 99.9% आपका डेटा सिक्योर करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न होता है कि जो 0.1% है वो कहाँ है, ठीक है? तो वो 100% कभी आपको गारंटी नहीं देते प्राइवेट क्लाउड में, तो कभी ऑर्गेनाइजेशन जाती नहीं है इसकी तरफ, ठीक है? इनमें बड़े इश्यूज हैं, तो इतना कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप प्राइवेट क्लाउड भी ऑफ कर दें तो वो भी आप तब भी आपको कहते हैं कि हम 99.9% गारंटी देते हैं कि आपका जो हमारा जो डेटा सेंटर है, या पाकिस्तान में तो मजे की बात है कि पाकिस्तान में तो किसी क्लाउड का डेटा सेंटर भी नहीं है, ना अमेजोन का है ना एजोर का है, ठीक है? तो अगर पाकिस्तानी लेट से जाना चाहते हैं क्लाउड पे तो वो किस बेसिस पे जाएंगे, किस सिक्योरिटी पे जाएंगे? आपके जो सबसे करीब तो डेटा सेंटर पड़ता है वो इंडिया का पड़ता है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में डेटा स्टोर करवाएगी? जी नहीं, ठीक है? तो ये भी इश्यूज हैं हमारे पास ना पाकिस्तान में करंटली, हमारे पास करीब कोई डेटा सेंटर जो पड़ता है वो इंडिया का पड़ता है या सिंगापुर वगैरह, लेकिन डेफिनेटली हम पाकिस्तान में अगर डेटा सेंटर होते तो मैं भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट आता और वो मूव कर जाती, लाइक बैंकिंग सेक्टर हो गया या डिफरेंट सेक्टर है, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में डेटा सेंटर पड़ा हुआ है तो आपको इतना खतरा नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर आप इंटरनेशनली आप अपना डेटा पुट कराना चाह रहे हैं डिफरेंस में। इसके अंदर फिर ये नोटबुक है स्पार्क ओवरव्यू का, अगर आप स्पार्क के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर क्या हो रहा है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ, स्पार्क का आर्किटेक्चर क्या, एग्जीक्यूटर क्या होते हैं, ड्राइवर क्या होते हैं, तो मैं जैसे आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कोर्स के थ्रू कि यार ये अपने पढ़ना किस तरह है सारी चीज़ें। फिर इसके अंदर एक फोल्डर आता है डेटाबेस एच का, ये इनके एक लेटेस्ट चीज़ है डेल्टा। अब ये आप क्या कर सकते हैं कि क्या होता था कि आपके पास जो फाइल बेस टेबल्स होते थे उसके ऊपर आप ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे, लाइक इन अपडेट नहीं कर सकते थे, उसमें से डिलीट नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो अब जब से ये डेल्टा आया इसको बोलते हैं डेल्टा लेक। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपसर्ट भी कर सकते हैं, इसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं, इससे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोडक्शन क्रिएट अपेंड अपसर्ट स्ट्रीमिंग ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोजेक्ट सारी की सारी चीज़ आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इधर आएंगे इंट्रोडक्शन में तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके पास कोड भी होता है। एक मिनट, अगर मैं कोड में आऊँ इधर कहता हूँ, ठीक है? तो आपको बस इस तरह कोड प्रोवाइड किया होता है कि सर आपने काम करना है, तो ये आप अपनी पर्सनल लर्निंग इसमें सारी जारी कर सकते हैं, ठीक हो गया? एक्सरसाइजेस होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आऊँ बाहर आके एक्स्ट्रा होता है आपके पास, एक्स्ट्रा में आपके पास कैशिंग क्या होता है ये हमने पढ़ा भी था, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, जस्ट इनफ स्काला फॉर स्पार्क, अगर किसी ने स्काला सीखनी हो तो स्काला कैसे सीख सकते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक स्काला होता है, स्पार्क आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर किसी ने डेटा फ्रेम को मास्टर करना हो तो यहाँ पर आपके पास डेटा फ्रेम्स की एक पूरी नोटबुक्स है, इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्रेम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है? पार्ट 5 अगर हम देखें तो ये डेटा फ्रेम की प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। किसी ने मशीन लर्निंग में काम करना हो तो ये मशीन लर्निंग स्ट्रीमिंग, रैंडम फॉरेस्ट, डेटा क्लींजिंग, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? ये सारी आप इसमें कवर कर सकते हैं।
अदर टॉपिक्स में अगर हम आते हैं तो ये वही कैशिंग, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर क्या होता है, डेटाबेस एनवायरनमेंट क्या है, पार्टीशनिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग लैब वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, कि रीडिंग सीएसवी फाइल, पार्केट फाइल, रीडिंग टेबल्स, रीडिंग जेसन, टेक्स्ट जेडीबीसी, ठीक है, तो उसमें राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं दोनों इन टेबल्स में से फाइल में, वो सारी चीज़ें कवर है इसमें। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर पार्केट में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक पार्केट फाइल को रीड कर रहा है, पार्केट फाइल को देख रहा है, फिर फाइनल राइट करा रहा है उसको। उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस है, जितने भी आपके पास ये मॉड्यूल्स है जब आप कवर करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो उसके सॉल्यूशन यहाँ पर पड़े होते हैं। तो ये सॉल्यूशंस हो गया। ट्यूनिंग से रिलेटेड अगर आप देखें तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होते हैं, डेवलपर प्रोडक्टिविटी, रियूजबिलिटी, स्टेट फाइल्स क्या होती है, जॉइन ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, सारे सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, हमारा जो मेन काम था हमने करना है जी स्ट्रीमिंग पे काम, आज का हमारा जो टॉपिक है, तो हम आ जाते हैं स्ट्रीमिंग पे। और सबसे पहला जो नोटबुक है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। आप सब भी जरा सिलेक्ट कर लें इसको, बताएं। जी ओपन कर ली है नोटबुक आप सबने? जी कर ली। बाकी सबको मिल गई नोटबुक, किसी को ना मिली हो नोटबुक? जी मिल गई, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सेम वही हमने थोड़ी देर पहले जो हमने स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, वी हैव अ स्ट्रीम ऑफ डेटा कमिंग इन फ्रॉम टीसीपी आईपी पोर्ट या सोर्स या काफ्का केनेसिस या कहीं से भी स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, और डेटा जो है इज कमिंग फास्टर एंड इट कैन बी कंज्यूम, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप देख रहे हैं पाइप की उन्होंने एग्जांपल दी भी, आ रहा है पानी, और तो उसको हैंडल कैसे करना है स्ट्रीमिंग डेटा को। फिर माइक्रो बैच मॉडल में आए वो जो हम स्पार्क स्ट्रीमिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जीरो से लेकर टू सेकेंड्स के उन्होंने एक टेम्परेचर वो बनाया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें, मैंने स्ट्रीमिंग एपीआई फॉलो द माइक्रो बैच मॉडल, इन दिस मॉडल वी टेक आवर फायर और टू द डेटा टू कलेक्ट एंड सेट इंटरवल टाइम टू ट्रिगर इंटरवल, इन अवर एग्जांपल ट्रिगर इंटरवल इज 2 सेकंड्स। ठीक है, फायर ओस जो है बेसिकली अमेजोन का एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, तो वो उसको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, काफ्का से भी डेटा गेट कर सकते हैं, फाइल से भी डेटा गेट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपनी माइक्रो बैचेस डिफाइन कर सकते हैं। ये 0 2 से, ये 2 सेकंड की विंडो है, 0 2 4 8 6 8। ठीक है, अब प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग द माइक्रो बैच, लेट्स से ये माइक्रो बैच आया था 0 से लेके 2 सेकंड वाला, ये प्रोसेस हुआ 1 सेकंड में, फिर 2 से जो 4 आया ये प्रोसेस हुआ 1 सेकंड में, फिर 4 से 6 आया ये 1 सेकंड में, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रीमिंग बिल्कुल एक सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, तो अगर मैं कहता हूँ कि 0 से लेके 2 सेकंड वाली जो विंडो है वो 2.1 सेकंड में प्रोसेस हुआ था, तो अब जो नेक्स्ट बैच है वो क्या करेगा, जो 2 से लेके 4 सेकंड वाली विंडो है वो 2.1 सेकंड में प्रोसेस हो रहा है, तो हर एक बैच में क्या हो रहा है, 0.2 सेकंड्स का एक डिले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसका क्वेश्चन था पहले, किसी ने पूछा था कि इसमें क्या होगा, आई एम नॉट श्योर किसका क्वेश्चन था वो, फरहान आपका क्वेश्चन था कि अगर डिले आ रहा हो या कुछ इस तरह? जी वो ग्राफ से रिलेटेड था कि जिसमें प्रोसेसिंग टाइम और इवेंट टाइम में डिफरेंस आ रहा था, तो उसकी वजह से हम देखना चाह रहे थे कि जो अगर कुछ प्रोसेसिंग हमारी बिहाइंड करेगी या फॉल बिहाइंड कर देगी तो उसमें क्या होगा फिर ना? तो ये एग्जांपल से समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है कि डिले की समझ आ रही है? हाँ। लेकिन अब इस डिले को कैटर कैसे करना है ये भी इसका पता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कुछ बैचेस आपके पास ना पहले भी चल रहे होंगे, 1 सेकंड के अंदर भी चल रहे होंगे, तो वो उसको एवरेज आउट कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल दी है, इस तरह नहीं है कि हर एक बैच आपका जो है वो लेट हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका हर एक बैच ही लेट हो रहा है तो फिर डेफिनेटली हमने कोई देखना होगा कि प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो फिर डिफरेंट उसके अप्रोचेज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग में, तो हम क्या आगे माइक्रो बैच से टेबल्स में आ गए।
अब यहाँ पर क्या हो गया, अनबाउंडेड इनपुट टेबल हो गया, ये हमने कवर कर लिया था, पढ़ लिया था क्या होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने क्यूरी करनी है, तो ये भी बता दिया कि जिस लेवल तक उसके पास डेटा अवेलेबल होगा आप उसको क्यूरी कर सकते हैं। अच्छा, आउटपुट मोड्स को जरा पढ़े सारे हैं, ये बताया था मैंने कि आउटपुट मोड पढ़ने, कंप्लीट मोड क्या होता है, अपेंड क्या होता है, अपडेट क्या होता है, और उसके बाद आउटपुट थिंग्स, ये दोनों पढ़े जरा। अच्छा प्रयास, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मतलब हमारे पास काफ्का है, उसे अगर फर्स्ट हम लोग स्ट्रीमिंग दे रहे हैं और मेरे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शनल टेबल है और उनकी आवाज़ थोड़ी समझ ना क्लियर नहीं आ रही है, अच्छी थोड़ा सा लाउड बोलते हैं। अच्छा सवाल ये है कि मेरे पास काफ्का के अंदर जो है ना मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मतलब मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ काफ्का स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन कर रहा हूँ जो कि काफ्का के थ्रू होती है। मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर काफ्का के पड़े हैं, जैसे फर्स्ट करें कस्टमर है और ऑर्डर्स है या ऑर्डर आइटम है, ठीक है। फर्स्ट करें अब कस्टमर और ऑर्डर ये दोनों जो है मेरे पास स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं। अब मैं स्ट्रीम टू स्ट्रीम अगर ज्वाइन करता हूँ इसमें स्पार्क स्ट्रक्चर में, तो या तो अब मैं उसमें सिर्फ जॉइन लगा सकता हूँ या फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आउटपुट मोड और जो आउटपुट सॉरी आउटपुट मोड जो है वो एक ही बार में हमें दोनों काम करने की इजाज़त नहीं देते, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपने कैटर की है कभी? अच्छा जॉइनिंग के साथ तो तुम्हें थोड़ा मैंने अब तक काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई यूज केस था तो उसको हमने हैंडल करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने सोर्स एंड से ही उसको ज्वाइन करके हमारे पास जो रिजल्टेंट डेटा था उसको उठा के ले आते थे, क्योंकि स्पार्क स्ट्रीमिंग आपको पता है कि वो ज्वाइनिंग के लिहाज से इतना कोई अभी स्पेस बहुत ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमने सोर्स एंड से उसको हैंडल कर लिया था और हम स्पार्क में सिंपल उसको ऐसा स्ट्रीम लेके आ रहे थे, हमने इस तरह कोई इसके ऊपर अप्रोच की थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है लाइक स्पार्क में हम ज्वाइनिंग वगैरह को किस तरह हैंडल कर सकते हैं या एग्रीगेट्स वगैरह को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मुझे इतना याद है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है अगर आप दो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। अच्छा असल में मेरे पास जो है ना स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस दो नहीं है, वो दो नाइन है ना, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है। खैर वो तो हम लोगों ने जॉइंस का तो कैटर कर लिया, लेकिन अब मैं मेरा सवाल ये है कि जॉइंस का हमारे पास कैटर हो गया तो आप जो है स्ट्रीमिंग की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्यूरीज, जिस आपने बोला कि अभी बात कर रहे थे कि अनबाउंडेड टेबल है, अब एक अनबाउंडेड टेबल के ऊपर आपने पहले क्यूरी मारी फिर दूसरी क्यूरी भी आप मारेंगे तो मतलब उसमें अलग हो, तो आप ये मतलब दूसरी क्यूरी आप जो मारने की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से मार सकते हैं? मतलब मेरे ख्याल में तो जो है क्या नाम है, मतलब जैसे हम ऑन प्रेम डेटा सेट्स होते हैं, ऑन प्रेम हमारे पास सर्वर्स होते हैं तो उसमें डेटा पहले आने में डेटा फ्रेम लोड होने में उसको टाइम लग जाता है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हाँ तो आप मल्टीपल किस क्यूरीज किस तरीके से इस तरह के डेटा सेट पे मार सकते हैं? अच्छा अभी करंटली तो लेट्स से अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास एक नोटबुक है तो ऑब्वियसली मैं अपने एक सेल में तो एक ही क्यूरी लिखूंगा कि लेट्स से सिलेक्ट स्टार कर लिया, लेकिन करंट अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 10 यूजर्स मेरे डेटाबेस क्लस्टर में और 10 के 10 यूजर उस स्पेसिफिक एक टेबल के ऊपर क्यूरी करते हैं जो अनबाउंडेड टेबल है, ठीक है, तो वो उनको आंसर करेगा, उसमें कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। वो सिंपल ऐसी है कि लेट्स से आपके पास एक सीक्वल के डेटाबेस में एक टेबल है और उसके ऊपर 50 यूजर्स क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम पर भी डेटाबेस में वही एग्जांपल है उसकी, उसके ऊपर मल्टीपल यूजर क्यूरी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
नहीं, मेरा सवाल असल में ये था कि जैसे फर्स्ट कर मैंने एक स्पार्क की एप्लीकेशन को लिया, मैंने एक स्पार्क का कोड लिया, ठीक है, मतलब अब नॉर्मली तो हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते ना कि मतलब नोटबुक्स में तो नहीं काम कर रहे होते ना, उसमें मतलब उसमें तो हम बाकायदा पाइथन की फाइल्स में जो उसका स्पार्क का कोड लिखते हैं, हम लोग को जॉब चल रही होती है, इस तरीके से होता है। तो उस केस में फर्स्ट कर मेरे पास, हाँ अच्छा, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आपने अब जिस तरीके से बात की कि भाई एक अनबाउंडेड टेबल है और मतलब वो उस तरीके से आई है जैसे MySQL या किसी भी डेटाबेस पे हमारा टेबल पड़ा हुआ है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया होती है कि हमने स्पार्क का जब हम कोड लिखते हैं और उसके अंदर फर्स्ट हम टॉपिक किसी टॉपिक से डेटा फॉर्म को टॉम उठा दिया, अब वो एक डेटा फ्रेम में उसे कन्वर्ट करेगा, काइंड ऑफ डेटा फ्रेम में उसे कन्वर्ट करता है, तो वो जो हमारे पास डेटा फ्रेम जो मौजूद है वो तो हमारे वाले स्पार्क के सेशन में ना, कोई दूसरा यूजर उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकता है? अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप पाइथन की फाइल नहीं बना रहे होते हैं, यहाँ पर आपके पास एक क्लस्टर है और उसके अंदर एक नोटबुक चल रही है, ठीक है, बाकी उस स्पेसिफिक क्लस्टर पे जितने लोगों ने नोटबुक खोली भी है वो उसको क्यूरी कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आप पाइथन उस पर लेके जा रहे हैं ना कोड पे, वो तो डेफिनेटली समझ आ गई मुझे कि वो स्पेसिफिक सेशन होता है वहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर ये लिमिटेशन है, लेकिन डेटा बेस में अगर आप नोटबुक में काम कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं है आपके पास, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर डेटा ब्रेक्स में, मतलब मैं तो उसके से बात कर रहा हूँ ना कि जिस तरीके से अभी शायद फयाज ने, मतलब शायद ये फरहान ने बात की थी, जिसने बात की थी कि मतलब हमारे पास पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं हमारे जो सऊदी है, दूसरे दूसरे क्लाइंट है, वो तो जाते ही नहीं ना डेटा ब्रेक्स या क्लाउड पे, वो तो बात ही ऑन ही करते हैं, तो मतलब वहाँ तो डेटा ब्रेक्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, तो उसको तो बिल्कुल ही कट कर। समझ आ गई मुझे, अगर आपने ऑन प्रेम ही काम करना है तो फिर आप अनबाउंडेड टेबल को परसिस्ट कराएं, सिंपल सी बात है, आप HDFS से परसिस्ट कराएं या कहीं भी परसिस्ट कराएं, तो जब परसिस्ट हो जाएगा फिर उसके ऊपर तो क्वेरी कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर उस टॉपिक के ऊपर जो डेटा है उसके ऊपर से लेकर दूसरे कोड में जो है प्रोसेस करो। हाँ जी ठीक है, मतलब मैं यही पूछ रहा था कि आपने इस तरीके से किसी चीज पे काम किया है? नहीं नहीं, वो वही है कि आपको ऑन प्रेम तो यही सलूशन है उसका, कि ऑब्वियसली वो आइडिया है मुझे कि वो आपके सेशन तो वो नहीं हो सकते हैं, शेयर नहीं हो सकते, तो आपको फिर क्या होता है उसमें परसेस कराना होता है आपको, ठीक है, तो परसेस करा के फिर आप जो डिफरेंट यूजर है उसको उठा सकते हैं डेटा को। ठीक है, अच्छा जी, बाकी सब ने यार ये चीजें पढ़ ली है, आउटपुट मोड्स और आउटपुट सिंक्स वगैरह, इसमें किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो? जी जानजेब कह रहा सब ओके हैं, बाकी किसी के इसमें कोई क्वेश्चंस कुछ समझ ना आई हो, फाइल सिंक क्या होता है, काफ्का वगैरह, या मोड्स क्या होते हैं, कंप्लीट मोड क्या होता है, अपेंड मोड? जी अच्छा, आप सेम नोटबुक में आप अगर नीचे आएंगे, जी काशिफ, इसमें एक चीज है कि काफ्का में लाइक अपडेट मोड भी लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ, जबकि हमने काफ्का में पढ़ा था कि वो काइंड ऑफ लॉग उसकी कीपिंग करता है, उसमें अपडेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चीज की क्लैरिटी मुझे नहीं हो रही। नहीं, ये असल में क्या है, आउटपुट सिंक्स, इसका मतलब है कि आप काफ्का में राइट कराने जा रहे हैं डेटा, तो स्पार्क की फंक्शनलिटी बता रहा है कि स्पार्क का जो अपेंड या कंप्लीट या अपडेट मोड है वो काफ्का के साथ सपोर्टेड है या नहीं, इट्स नॉट कि आप काफ्का में डेटा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक कि आपका जो अपडेट मोड का जो डेटा है स्पार्क का वो आप काफ्का में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है काशिफ, इसका मतलब है कि जो अपडेट यहीं पे हो रही है और उसका जो रिजल्टिंग डेटा वो हम काफ्का में पुश कर रहे हैं। हाँ, right? बिल्कुल ओके, गॉट इट। अच्छा जी, अब आप सेम नोटबुक में अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास एक होगा जी स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग टू के नाम से,
TCP/IP, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लें, बस ये नोटबुक खुल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप सबसे पहले सेल पे आते हैं, लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर ना आपके देखेंगे परसेंटेज रन। परसेंटेज रन का क्या है कि आपकी जो डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट नोटबुक्स है और किसी पाथ पे, लाइक इंक्लूड के अंदर, क्लासरूम सेटअप के अंदर, वो अगर आपने एक नोटबुक के अंदर दूसरे नोटबुक के अंदर चलाना हो तो आप परसेंटेज रन और उसका पाथ देते हैं, चलाते थे। अगर मैं स्पेसिफिक नोटबुक पे आऊँ क्लासरूम सेटअप पे, तो इसके अंदर क्या है, ये डेटाबेस ने खुद प्रोवाइड की हुई है। ये करता क्या है कि आपका एक क्लासरूम सेटअप कर देता है, आपके डिफरेंट एक डेटा सेट्स होते हैं, S3 के साथ इसके माउंटिंग करता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डेटा सेट माउंट सेटअप एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो खुद करके दे रहा था आपको। तो आपने सिंपल करना क्या है कि ये वाली जो कमांड है इसको शिफ्ट इंटर करके चला देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी क्या करेगा, आपके क्लस्टर में डिफरेंट जो डेटा सेट है AWS में उसको माउंट करेगा और डिफरेंट नेटवर्किंग चीज़ें चेक करेगा, नेटवर्क लेवल पर सारी चीज़ें अवेलेबल करेगा ताकि आप डेटा उठा सके फ्रॉम डेटाबेस क्लस्टर, ठीक है। तो मेरे पास ये कमांड चल चुकी है, मेरे पास आ गया सक्सेसफुली क्रिएटेड वेरिएबल्स फॉर यूटिलिटी फंक्शन, यूजर नेम मेरा बन गया है, यूजर होम मेरा बन गया है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि डेटा सेट्स आर ऑलरेडी माउंटेड टू MNT ट्रेनिंग। तो MNT ट्रेनिंग में हमारे पास जितने भी डेटा सेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर माउंट हो चुके हैं, ठीक है। और वर्जन जिन्हें चेक किया, स्पार्क का 3.2 है, TBR 10.2 है, स्काला का वर्जन चेक किया, पाइथन का वर्जन चेक किया, ऑल डन, ठीक है। तो इसने सारी की सारी चीज़ें जो है इसने कंप्यूट कर दी। तो आप लोग के पास भी ये चला है या भी चल रहा है? अभी चल रहा है। जब मेरे पास पहले फेल टू कनेक्ट क्लस्टर आ रहा था, वो आई थिंक ऊपर सिलेक्टेड नहीं था क्लस्टर, तो क्लस्टर सिलेक्ट किया तो चल गई कमांड, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, अगर आपको यहाँ पर कस्टर सिलेक्टेड नहीं है तो वो फिर पूछेगा कि आपने चलाने कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला स्टेप सबके पास चल गया है जिन्होंने चलाना था, अभी जो जो भी अपने पास प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके अपने यूजर बन चुके हैं। हाँ जी, यूजर चल गए, ठीक हो गया। अच्छा, हम बेसिकली ना थोड़ा सा एक हम स्ट्रीमिंग डेटा फ्रेम हमारे पास आएगा, स्ट्रीमिंग डेटा होगा। जी जान जैद, नहीं मेरे पास नहीं चल रहा फीडबैक। अगर क्या इशू आ रहा है आपका? The execution of this command did not finish successfully. ये दो दफा हो चुका है। अच्छा, आप जरा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर करते हैं हम जान जब। ये post disable participant screen share आ रहा है। अच्छा एक मिनट में आप करें जरा, एक मिनट। ये नहीं, वैसे तो अलाउड है। हाँ चलिए। अच्छा आप ना क्या करें, ऊपर आपके पास जो URL है आपके पास, उसको रिफ्रेश करें जरा। ये ऊपर, हाँ कंप्लीट, हाँ इसको रिफ्रेश करें। क्लस्टर आपका अटैच है, इसको दोबारा चलाएं।
ठीक हो गया, चले। अच्छा, हम बेसिकली अभी हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो हम डेटा रीड करेंगे, वो बेसिकली TCP/IP एक पोर्ट है जो कि डेटाबेस खुद प्रोवाइड कर रहा है, और डेटाबेस के क्लस्टर्स के ऊपर जितने भी लॉग्स आते हैं, सिस्टम लॉग्स आते हैं, तो उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसको उठाएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो उसका जो एक बेसिक फॉर्मेट होगा वो इस तरह का होगा कि आपके पास इस तरह एक डेट आ रही होगी, उसके बाद उसका मैसेज लेवल आ रहा होगा, वार्निंग है, एरर है, इन्फो है, और उसके बाद उसका मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। मैसेज के अंदर आप कह सकते हैं कि बैकअप सर्वर 192 जो भी उसकी IP है इज ऑफलाइन, या पिंगिंग, या कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह के ऊपर आपके पास एक ये पूरा का पूरा एक सिंगल मैसेज होगा, एक सिंगल कॉलम में, इसको हम उठाएंगे स्ट्रीम में, और उसको हम अपने हिसाब से इसको प्रोसेस करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे, पार्स करेंगे, और सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा सेट क्लियर है जी? अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले स्पार्क के लॉग्स डीएफ पे। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे लॉग्स डीएफ में। हम अगर हम स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग के साथ काम करेंगे तो जो भी उसके साथ डेटा आएगा वो डीएफ ही बनेगा, तो हम बनाते हैं लॉग डीएफ। अच्छा, अब उसको रीड कैसे करते हैं, एक आप स्पार्क डॉट रीड होता था, स्पार्क डॉट रीड जो है, अगर उसके एग्जाम्पल लें तो वो आप अगर किसी भी बैच डेटा को रीड करना चाहते हैं, CSV फाइल को रीड करना चाहते हैं बैच को, तो उसके लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रीम को रीड करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम, ठीक है। अब रीड स्ट्रीम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती है, लाइक फॉर्मेट होता है सॉकेट, सॉकेट का मतलब है कि आप किसी भी TCP/IP पोर्ट से डेटा रीड करना चाह रहे हैं, या आप फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट किनेसिस, इस तरह के जितने भी आप किसी भी चीज से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको उसका फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, फॉर्मेट के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में लाइक होस्ट रीड कहाँ से करना है, तो मेरे पास डेटाबेस ने एक सर्वर प्रोवाइड किया है, server1.databricks.training, इसके अंदर डेटाबेस के जितने भी सिस्टम लॉग्स है वो आ रहे होंगे, तो हम इसके सिंपल एक हमारे पास एक लाइव एनवायरनमेंट बन गया है कि हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम उसको उठा लेंगे, बजाय कि हम अपना खुद एक डेटा जनरेट करते हैं तो वो इतना फिजिबल नहीं रहता। ये बिल्कुल एक हमारे पास एक लाइव एनवायरनमेंट का डेटा आ रहा है, डेटा उसका डेटाबेस का, तो हम उससे भी काम करेंगे, और उसमें जो पोर्ट है वो है 9001। तो बस ये दो चीजें मैंने बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा जो लॉग्स डीएफ है इस स्पेसिफिक यूआरएल से इस स्पेसिफिक पोर्ट पे ये डेटा रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको चला लेता हूँ, शिफ्ट इंटर। अच्छा, ये मेरे पास बंद तो गया है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, इसकी रीजन क्या है, ये हमने पिछले काफी बार का कोर्स है काफी डिटेल में कवर किया था कि हमने लॉग्स डीएफ तो बना लिया लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, इसकी क्या रीजन हो सकती है? क्योंकि हमने कोई एक्शन कॉल नहीं किया। एग्जैक्टली, चलो ठीक, बिल्कुल। अच्छा, सबसे फिर मैं आना चाहता हूँ कि मैं लेट्स से मेरा जो लॉग्स डीएफ बन गया, मैं उसका स्कीमा देखना चाहता हूँ कि मेरे पास लेट्स से बना भी है या नहीं बना, उसके अंदर स्कीमा क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ, इस वाले को, तो आप देखें मेरे पास एक आ रहा है वैल्यू और उसकी टाइप है स्ट्रिंग, नोट डेट व्हेन वाज क्रिएटेड अ रेगुलर डेटा फ्रेम विद अ सिंगल वैल्यू कॉलम, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम में वैल्यू के नाम से, और उसकी भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसके अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो वैल्यू क्या होगी, ये पूरा का पूरा एक कॉलम होगा, ये पूरा का पूरा एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, एक रो के अंदर, ठीक है जी। तो हमने इसका स्कीमा भी देख लिया। अच्छा, What can we do with this data frame? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे एक अपना एक क्या कह सकते हैं, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ठीक चल भी रही है, लाइव डेटा उठा भी रही है या नहीं उठा रही, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो अभी हमने जो लॉग्स डीएफ बनाया है इसका एज इट इज हम क्या करेंगे, एक रनिंग काउंट ले लेंगे कि हमारे पास काउंट बढ़ रहा है या नहीं, कोई नया डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम अभी उसको कुछ नहीं करेंगे, पार्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, PySpark के कुछ फंक्शन होते हैं हमने इम्पोर्ट करा दिए, PySpark.sql.function, यहाँ से हमने इम्पोर्ट स्टार्ट कर दिया, ये कुछ एग्रीगेट के जो फंक्शन होते हैं या काउंट का जो फंक्शन होता है ये इस फंक्शन के लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया रनिंग काउंट्स डीएफ, और जो ऊपर मैंने डेटा फ्रेम बनाया था लॉग्स डीएफ, उसमें मैंने क्या किया, एग्रीगेट कर लिया, और मैंने क्या करना है उसमें काउंट्स शेयरिंग,
अच्छा ये जो लैंग्वेज है ना, ये स्पार्क डेटा फ्रेम की लैंग्वेज है। अगर आप इसको सिंपल उसमें करते हैं SQL में, आप क्या करते हैं सिलेक्ट स्टेरिक काउंट स्टेरिक फ्रॉम लेट्स से जो भी टेबल था, ठीक है। लेकिन स्पार्क डेटा फ्रेम में थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरीका है। आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम रेफरेंस देते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं, और आपने करना क्या है, एग्रीगेट करना है। और एग्रीगेट में आपने क्या करना है, काउंट करना है, सम करना है, मैक्स करना है, हमने करना है काउंट स्टेरिक करना, ठीक है। तो ये उसके इक्वल ही है अगर आप सिंपल SQL में चलाते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सिलेक्ट काउंट स्टेरिक, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। डिस्प्ले बेसिकली इसके अंदर होता है एक्शन होता है, डिस्प्ले हो गया या शो हो गया। तो डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में डेटा शो कर रहा होता है, टेबुलर फॉर्म में, तो हम डिस्प्ले यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रनिंग काउंट ये वो चेक करना शुरू कर देंगे। तो मैं चलाता हूँ, अब मेरे पास शुरू में कुछ डेटा नहीं आ रहा होगा, अभी एक स्ट्रीम इनिशियलाइजेशन कर रहा है। अब इसको जब भी डेटा मिलेगा वो शो कराना शुरू कर देगा, काउंट शुरू कर देगा, ठीक है। ये लास्ट 10 सेकंड में कुछ नहीं मिला, जीरो रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी 5 सेकंड, ये देखिए अब उसको मिल गया 289 रिकॉर्ड्स एकदम से। अब 473 हो गए, 543 हो गए। अगर आप चेक करेंगे आपके पास काउंट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास नया डेटा आता जा रहा है, ऐसा ही है आप सबके पास। जी किसी के पास डेटा कम तो नहीं हो रहा? नहीं मेरे पास अभी तक वो जीरो ही आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर ले, आपके पास आ जाएगा वो इनिशियलाइज। जी इसके अलावा मेरे पास तो अराउंड 3000 रिकॉर्ड्स जो है आ गए। आप लोगों के पास, किसी और के पास चल रहा हो अभी? जी मेरे पास भी अराउंड 5000 रिकॉर्ड आ चुके हैं। 5000, ठीक है। और कोई इसके मेरे पास नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आया। क्या आ रहा आपके पास? जी बिल्कुल भी नहीं आया। एटलीस्ट वन वैल्यू कॉलम इज रिक्वायर्ड। नहीं वो असल में ना आप यहाँ पर ये शो सिलेक्ट करें, आपके पास ना इधर ये सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। आपने ये टेबल सिलेक्ट करना है नीचे। या ठीक 3000 के अराउंड आए हुए, ठीक है। ठीक है जी, जानजेब आपको कोई क्वेश्चन था इसमें? नहीं क्वेश्चन नहीं था, बस वो रिकॉर्ड ही बता रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा फसीउद्दीन आपको कोई क्वेश्चन है? जी मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जिस नॉर्मली हम स्पार्क स्ट्रीमिंग का अगर पढ़ते हैं तो मतलब वो तो ये बताता है ना कि जब तक आप इसकी मतलब वो जो राइट स्ट्रीम वाला जो फंक्शन है राइट ना करो, मतलब उसके ऊपर इसका कोई एक्शन परफॉर्म ना करो, तो तब तक वो जो है इस चीज को शुरू नहीं करता, स्ट्रीम रीड वगैरह को शुरू नहीं करता। तो मतलब ये वाली ये चीज है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मतलब ये जिस तरीके से आपने एग्रीगेट करके काउंट इसका करके और फिर डिस्प्ले वाले ये चीज दिखाई है ना। नहीं नहीं तो ये बेसिकली ये ओवरऑल है डेटाबेस की तरफ से है। नहीं नहीं ओवरऑल भी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास नोटबुक लाइक फ्रेमवर्क नहीं है, लाइक डेटाबेस नहीं है, तो उसमें ये चीजें करना मुश्किल है अगर आप पाइथन के कोड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो होता उसमें भी यही है। तो पाइथन के कोड को कंसीडर करते हुए किस तरीके से किया जा सकता है ये, आप कोई आईडिया? आप सिंपल ये इसी कोड को चला सकते हैं, आप रनिंग काउंट df डॉट शो कर देना, आपके पास वो जो शो का मैसेज है वो आपके पास लॉग में शो हो रहा होगा विंडो पे ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है ठीक है। सॉरी मैंने देखा नहीं था, वो आपने टेबल सेलेक्ट करने का बताया था, मेरे पास भी वो एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी सिलेक्टेड वाला एरर आ रहा है। ये आपके पास ना ये नीचे आ रहा होगा, ये आप देखें। जी जी अब ठीक है, हो गया, मैं करता हूँ। अच्छा अब हमने करना क्या, ये तो चलता जाएगा, ये क्या कर रहा है मेमोरी में डेटा लोड करने जा रहा है, तो हमने इसको करना है स्टॉप। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कैंसिल का बटन, तो आप इसको कैंसिल कर दें और यस कर दें, ठीक है। हमने सिर्फ जस्ट चेक करना था कि हमारे पास डेटा आता है या नहीं आता कंटीन्यूअस डेटा। तो अगर आपके पास अगर आप देखें तो मेरे पास जो लास्ट काउंट आया है वो अराउंड 10,000 समथिंग आया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मेरे पास डेटा जो है कुछ सेकंड्स में लोड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक कंटीन्यूअस हमने से वेरीफाई करना था कि हमारे पास कंटीन्यूअस स्ट्रीम आ रही है या नहीं आ रही। तो हमारे पास कंटीन्यूअस स्ट्रीम बिल्कुल आ रही है, मेरे पास अराउंड 10,241 रिकॉर्ड्स कुछ आ गए, ठीक।
सिमिलरली आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे. तो अब ये क्या कर रहा था कि ये इसको कंटिन्यूसली जो है मेमोरी में लोड कर रहा था, तो बजाय कि हमारी मेमोरी फिल होना शुरू हो जाए तो आप इसको क्या करते हैं कैंसिल कर दें. तो काइंडली जिन्होंने भी चला लिए काइंडली सब उसको कैंसिल कर दें, ठीक है, वरना अगर आप चलाएंगे तो दोबारा आपके पास इशू आ जाएगा कि यार मेमोरी फुल हो गई. तो वो इसलिए व्यक्ति है कि इसको कैंसिल कर सकिए दोबारा चलते हैं. यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा वो ब्लू कलर का कैंसिल का. मिल गया जी, नहीं फिर अभी ग्रीन कलर का यार है, ब्लू तो कुछ ऐसे नहीं है. आप जरा स्क्रीन शेयर करते हैं जस्ट अ मोमेंट. थोड़ा सा ऊपर जाएं जरा, थोड़ा सा ऊपर करें. ये आपको पास कैंसिल आ रहा है ना ऊपर, तो ऊपर देखें कैंसिल लिखा हुआ है. ठीक है ठीक, राइट थैंक यू. प्याज मेरे क्वेश्चन है, अगर इसका आप आंसर कर दें, ये जो भी हमने कमांड लिखी है ये बेसिकली एनवायरनमेंट स्पार्क का है या इसके अंदर हम पाइथन यूज कर रहे हैं, मतलब पाइथन लैंग्वेज ही हुई ना जो, यानी मेरा कंसेप्ट बन रहा है कि हम पाइथन में बेसिकली जो है ये कोड लिख रहे हैं स्पार्क के अंदर ना, जो इससे सर डील कर रहा है. और दूसरा ये है कि जैसे भी आपने ये डाटा पिक किया है TCP/IP का, हमने इसको सॉकेट दे दी और इसने सर्वर से उठा लिया डाटा, तो अगर यही डाटा अगर हम वेब के किसी सर्वर से दे सकें और इसको हम अपने जो वो जिस तरह हम टूल्स यूज कर रहे थे अंबारी में, डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे थे, तो क्या हम ये काम उधर भी करवा सकते हैं किसी टूल के तहत को यूज करते हुए? हाँ जी बिल्कुल, उधर भी कर सकते हैं. उधर आपको टूल्स देखने पड़ेंगे कौन से सपोर्ट करते हैं इसको नहीं करते हैं. और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि पाइथन, बिल्कुल हम पाइस्पार्क यूज कर रहे हैं. तो पाइस्पार्क का मतलब ये है कि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में रहते हुए स्पार्क की API यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो जो कुछ फंक्शन है स्पार्क के और जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पाइथन है, ठीक है. ठीक है थैंक यू. अच्छा अब हो गया रहा है कि हमने एक लॉग्स DF तो बना लिया है. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इट्स जस्ट अ डेटा फ्रेम. ये सिंपल एक डेटा फ्रेम है और उसके ऊपर आप जो स्पाइस्पार्क DF के जितने भी फंक्शन है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो मेरे पास क्या था, लॉग्स DF के अंदर एक ही कॉलम था, वो था वैल्यू, और उस वैल्यू के अंदर ये पूरा का पूरा एक लॉग मैसेज एज इट इज आता. तो अब हम क्या करेंगे, इसको पार्स करके मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करेंगे. लाइक टाइम स्टैम्प को अलग कॉलम में उठाएंगे, मैसेज लेवल को अलग में उठाएंगे, मैसेज को अलग उठाएंगे. तो इस चीज को देखते हैं कैसे करते हैं. अच्छा अगर यहाँ पर आप देखें तो मैं एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ क्लीन DF, और उसको मैं कर रहा हूँ लॉग्स DF.width कॉलम. अच्छा लॉग्स DF बेसिकली क्या है, जो पिछला डेटा फ्रेम है हमारा उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ रहा था कॉलम, और उसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा मैसेज आ रहा था. तो विथ कॉलम बेसिकली करता क्या है कि डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड करता है. लाइक आप से अगर आप SQL में करेंगे तो कोई भी आप alias दे देते हैं as this, मतलब आप नया कॉलम सेलेक्ट बना लेते हैं. इसमें आप क्या करते हैं, आप विथ कॉलम लिखते हैं. तो लॉग्स DF डॉट विथ कॉलम का मतलब है कि मैंने एक नया कॉलम ऐड किया, सबसे पहले उसका नाम बताना होता है. उसका नाम है TS string, टाइम स्टैम्प का स्ट्रिंग, ठीक है. और फिर आपने बताना होता है कि मैंने समिशन किया है उस स्पेसिफिक कॉलम की, स्पेसिफिक कॉलम बनाना है. तो मैं कहता हूँ कॉलम वैल्यू, ये कॉलम इस तरह उठाते हैं आप स्पार्क में, स्पार्क में मेरे पास कॉलम वैल्यू और उस वैल्यू का मैंने सबस्ट्रिंग उठाना है 2 से लेकर 23 तक. तो ये जो मेरे पास एक स्पेसिफिक कॉलम बनेगा TS string, इसके अंदर बेसिकली करेगा क्या, जो वैल्यू का जो कॉलम था उससे उसमें जो सबस्ट्रिंग करेगा 2 से लेकर 23 तक. तो अगर हम यहाँ पर देखें इस स्पेसिफिक वैल्यू में 2 से लेकर 23 तक जो सबस्ट्रिंग बनता है वो ये बनता है, ठीक हो गया. तो वो क्या कर रहा है बेसिकली TS string का मतलब है टाइम स्टैम्प स्ट्रिंग. तो वो इसको स्ट्रिंग में उठा रहा है फिलहाल, उसको पार्स कर रहा है. तो इसके पास आ जाएगा टाइम स्टैम्प स्ट्रिंग आ जाएगा. अब उसने बेसिकली किया क्या, अब उसको क्योंकि अब आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, फॉर्मेट इसका काफी डिफरेंट है, स्लैश आ रहे हैं, ठीक है. तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए टाइम स्टैम्प का, जिसमें डैश करके हमारे पास एक फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे होते हैं. तो उसने क्या किया कि दोबारा एक नया कॉलम बनाया ईपोक के नाम से.
epoch क्या होता है, unhuman readable timestamp format होता है जो कि उसको systematically अच्छा से read करता है। तो इसने क्या किया, जो TS string है, जो timestamp जो हमने string बनाया है, उसको क्या कर दिया, epoch timestamp में convert कर दिया। और epoch timestamp में convert करने के लिए जो function use होता है Spark में, उसको बोलते हैं Unix timestamp। और आपको format बताना होता है, तो format ये था YYYYMMDD। तो ये format ऊपर से आ रहा है हमारे पास, उसने यही format बता दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि epoch timestamp को convert करना बहुत आसान होता है। उसने सिंपल क्या किया, एक नया कॉलम बनाया कैप्चर्ड एट, कि जो इवेंट है वो किस टाइम कैप्चर्ड हुआ। ये अब इसको क्या कर रहा है, इसको बेसिकली इवेंट टाइम बनाना चाह रहा है कि इस टाइम पे हमारे पास इवेंट जनरेट हुआ था। तो उसने एक नया कॉलम बनाया कैप्चर्ड एट, और उसमें कॉलम इसने दिया इपोक वाला जो ऊपर हमारे पास आ रहा था, और उसको कास्ट कर दिया टाइम स्टैम्प में। अब जो इपोक टाइम होता है, इसको कास्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रिंग वगैरह। ठीक है, उसने क्या किया, सिंपल इसको कास्ट कर दिया। अब हमारे पास जो टाइम स्टैम्प आएगा वो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारे पास, लेट से ईयर, उसके बाद डैश, फिर मंथ, उसके बाद डैश, फिर डे, और फिर अपना हमारा टाइम स्टैम्प। और उसके बाद इसने एक नया कॉलम बनाया लॉग डेटा के नाम से, और लॉग डेटा में उसने क्या किया, वैल्यू में से ये जो ब्रैकेट के बाद है उसके बाद जितना डेटा इसको मिलता है वो सारा का सारा उठा लो। ये इसने एक रिजेक्स लगाई हुई है, तो ये कह रहा है कि इसके बाद जितना भी डेटा है ये वाला, ये सारा का सारा उठा लो। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, हमने एक कैप्चर्ड एट दो कॉलम बनाए, मेन जो बनाए, ये मेन तो ये चार कॉलम बनाए थे, लेकिन जिसमें मेन है वो है कैप्चर्ड एट और एक है लॉग डेटा। कैप्चर्ड एट के अंदर हमारे पास टाइम आ रहा है किस टाइम पे ये डेटा आया था, और लॉग डेटा के अंदर हमारे पास वो बेसिकली बाकी सारा डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसको चलाऊं और उसको हम प्रिंट स्कीमा करें क्लीन डीएफ का, तो अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास पांच कॉलम आ रहे होंगे, एक एग्जिस्टिंग जो लॉग डीएफ के अंदर वैल्यू था वो, एक टीएस स्ट्रिंग, एक ईपोक, एक कैप्चर्ड एट जो टाइम स्टैम्प में है, और एक लॉग डेटा जो यहाँ से डेटा उठाया है इसने, ये जो लॉग मैसेज उठाया है ये वाला। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. अच्छा, बेसिकली यूज केस क्या आया कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ वो डेटा देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर एरर आ रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो क्लीन डीएफ बना हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक और डेटा फ्रेम बनाएंगे एरर्स डीएफ। और जो हमने क्लीन डेटा फ्रेम बनाया था उसमें हमने किया सिलेक्ट, हमने सिर्फ वो कलर सेलेक्ट करना है जो हमें चाहिए, हमें कैप्चर्ड एड और लॉग डेटा चाहिए, बाकी सारे हमारे लिए काम के नहीं है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कैप्चर्ड एड लॉग डेटा, ये हमने दो कॉलम सिलेक्ट किए। उसके बाद हमने लगाया फिल्टर, और फिल्टर के अंदर लगाया वैल्यू के ऊपर हमें फिल्टर लगाया कि जो वैल्यू है वो लाइक हो एरर, कि जिस भी मैसेज के अंदर एरर आ रहा हो वो हमारे पास शो हो जाए। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस डेटा फ्रेम को बनाऊं, मैंने प्रिंट स्कीमा चेक किया तो मेरे पास दो कॉलम आ रहे हैं कैप्चर्ड एड और लॉग डेटा। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराना शुरू करूं, अब जब एक्शन कॉल कराऊंगा तो आप चेक करें अब क्या आता है आपके पास, अब आपके पास वो सारे मैसेजेस आने चाहिए जिसके अंदर एरर आ रहा हो, एरर के अलावा कोई और मैसेज नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं हम लॉग डेटा के अंदर मेरे पास आ रहा है एरर। ठीक है, आप सबके पास कैप्चर एड आ रहा होगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड टाइम आ रहा होगा किस टाइम ये मैसेज आया है, और एरर बता रहा होगा कि यार डिफरेंट किसी के जो यूजर्स आ रहे हैं, किसी का पासवर्ड फेल हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। जी आ रहे हैं जी। तो जिसको जस्ट चेक करने के लिए हम देख रहे हैं, अगर आप नीचे देखेंगे रोज बढ़ती जा रही है 64, क्योंकि कंटीन्यूअस स्ट्रीम है, कंटीन्यूअस डेटा आता जा रहा है, तो उसमें चेक करना चाह रहा है कितने एरर्स आ रहे हैं, 286 हो गया, 306 हो गया। ठीक है, तो मैं जस्ट मेमोरी सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरे पास जो एक्चुअल अभी आया था 364 रोज आई है। ठीक है, आप लोग के पास भी आ रहे होंगे, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे होंगे।
ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई है, इसको आप कैंसिल भी कर दें बेशक, लेकिन अगर आप इसमें लॉग डेटा को देखेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब एरर वाले मैसेज शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया ऊपर एक फिल्टर लगाया हुआ। ठीक है जी, चले जी, आपने कैंसिल कर दिया होगा। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि अब एरर डीएफ के ऊपर ना हम एक ऑर्डर बाई लगा रहे हैं और हम डिसेंडिंग में चेक करना चाह रहे हैं जो कैप्चर्ड एट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, क्योंकि अब जब भी देख रहे थे यहाँ पर तो वो जो नई रोज थी वो ऊपर आ रही थी, अब चाह रहे हैं कि यह जो पुरानी रोज है वो ऊपर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बाई चलाएंगे तो देखते क्या होता है, एरर आना चाहिए और एरर के रीज़न क्या है वो आप लोगों ने बताना है जी। अगर आप लोग भी चलाएंगे आप लोग के पास एक एरर आएगा और अब एरर का रीज़न आप में से किसी ने बताना है, हैंड रेस का बताना है कि ये एरर क्यों आया होगा। जी हसन, बेसिकली ये कॉलम जो है ना वो सॉर्टेबल कॉलम नहीं होगा। नहीं इस तरह नहीं है, सॉर्टेबल कॉलम तो है। अच्छा। अगर आप देखें आपके पास ना सामने एक एक्सेप्शन मैसेज लिखा हुआ है, फिर आप थोड़ा दोबारा इसको पढ़ें। जी फसीउद्दीन, आप जैसा कि मैसेज में लिखा हुआ है कि कंप्लीट आउटपुट मोड के अलावा वो जो है ऑर्डर बाय करके नहीं दिखाएगा, तो उसका मतलब ये है कि ये आउटपुट मोड जो है आपका अपेंड जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ होता है, तो अपेंड मोड में दिखा रहा है, तो अपेंड मोड में जो ये एक ही रिजल्ट दिखाता है एक बार में जो कि अपडेट हुआ होता है या नीचे जो भी आया हुआ होता है। तो ऑर्डर बाय में जब आपको शुरू से दिखाना है तो आपको कंप्लीट मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक का डेटा दिखाया जा सके, ना कि सिर्फ वो जो कि नया आया है या ना कि सिर्फ वो जो अपडेट हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो सॉर्टिंग है ना वो स्ट्रीमिंग डेटा सेट या डेटा फ्रेम है उसके ऊपर सपोर्टेड नहीं है, जब तक वो क्या हो कोई एग्रीगेटेड ना हो या उसका आउटपुट मोड कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास सिंपल अपेंडिंग डेटा हो रहा है, तो जो सिंपल अपेंडिंग डेटा है इस अंदर क्या होता है आपके पास सॉर्टिंग सपोर्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसी सब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं कर सकते जी। राइट राइट, नहीं इसमें होता ही है कि आपको ना कंप्लीट मोड दिखाना पड़ता है ना, तो कंप्लीट मोड में होता है कि वो जब भी आपके पास नया डेटा आता है ना तो वो शुरू से लेकर आखिर तक का डेटा प्रिंट करता है। जो भी आया है जैसे फर्स्ट करें अगर 3 सेकंड पर कोई डेटा आया है, मतलब 3 सेकंड पे आपके पास 300 लॉस थी और 4 सेकंड पे आपके पास 400 लॉस हो गई है, तो वो फिर 4th सेकंड पे जो डेटा प्रिंट करेगा वो 400 लॉस प्रिंट करेगा पूरी की पूरी। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो होगा ये कि 4th सेकंड पे जो वो लॉस प्रिंट करेगा वो सिर्फ वो लॉस होंगी जो 3 सेकंड पे प्रिंट नहीं की थी, जो 3 to 4 सेकंड में जो आई होंगी वो रोज प्रिंट करेगा अपेंड मोड में नॉर्मली, तो उसको आप ऑर्डर बाय किस तरीके से करके दिखाओगे। नहीं मेरा पॉइंट ये है कि अगर सिंपली आप इस जो डेटा आपका जो स्ट्रीम से आ रहा है और उसको आप लगातार इस तरह हमने वो अनबाउंडेड टेबल में आप राइट करवा रहे हैं और हम वो क्वेरी अगर उस टेबल पे कर रहे हैं तो उसमें तो दिखाएगा ना वो। जी दिखाएगा, कंप्लीट आउटपुट पे दिखाएगा। हाँ अनबाउंडेड टेबल में तो बिल्कुल दिखाएगा आपको। ठीक जी, इस स्टेप से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस? ये चीज क्लियर होगी आपको कि अभी करंट जो भी मोड है उसमें सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, सॉरी ये चीज क्लियर नहीं हुई कि क्यों उसने सॉर्ट नहीं किया उसको। अच्छा, ये असल में ना इसकी लिमिटेशन है वो इस तरह की, लेट्स से अब आपके पास क्या हो रहा है कंटीन्यूअस स्ट्रीम है, तो आपके पास कंटीन्यूअसली डेटा जो है वो अपेंड होता जा रहा है स्पेसिफिक टेबल में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं उसको आप क्या ऑर्डर बाय भी कर रहे हैं कैप्चर्ड एड पे, तो वो उसकी सेंस नहीं बनती क्योंकि आपके पास जो भी नया डेटा आएगा आपके पास अपेंड टोटल ऊपर शो कराएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा फिर पूरा का पूरा जो टेबल है उसका रेफरेंस इसके पास नहीं है, ये करंटली अभी स्पेसिफाइली ये माइक्रोबैच को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अनबाउंडेड टेबल को ही नहीं हैंडल कर रहा वो, अगर आप किसी स्पेसिफिक अनबाउंडेड टेबल के ऊपर क्यूरी करेंगे तो वहाँ पर ये सॉर्टिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी करंटली क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक माइक्रोबैच को उठा रहा है, तो माइक्रोबैच में तो आप मतलब सॉर्टिंग की वो बनती ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनती, तो उसकी वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है,
सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रीम्स आ रही हैं और वो ज़ाहिर स्ट्रीम आ रही होंगी, अगर उसने एक दफा सॉर्ट कर लिया और बाद की स्ट्रीम्स हैं तो उसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सपोर्टेड नहीं होता। हां वो ऊपर जाता है ना वो कंट्रडिक्ट कर जाएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि लेकिन जब हमने कैंसिल किया है तो उस वहां पे उसने स्टेबल को रोक दिया ना, नई रोज नहीं ले रहा वो, तो अब अगर हम अगर इस पे अप्लाई करते हैं सॉर्टिंग का तो इसमें ऑलरेडी जो डाटा मौजूद है उसको उसके हिसाब से सॉर्ट नहीं करना चाहिए? बेसिकली हम ये जो बनाया था ना ये टेबल तो अभी हमारे पास वर्चुअली बना हुआ है, इसका हमने ना कोई नाम दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखे तो मैं RSDF को दोबारा कॉल करा रहा हूँ, तो RSDF क्या होगा दोबारा यहाँ से बनेगा। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू। अभी आगे जाके और भी एग्जांपल्स हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें कवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। हम जब इस टेबल को नाम देंगे सब कुछ देंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा उसके अलावा ये एक एग्जांपल है, आप लोग थोड़ा सा इसको मैं इसको ज़ूम आउट करूं एक मिनट। अच्छा इस चीज को जरा बड़े और समझने की कोशिश करें और बताएं। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने एक इनपुट स्ट्रीम डिफाइन की हुई है और हमने हर एक 5 सेकंड का एक ट्रिगर लगाया हुआ है। तो अब हो क्या रहा है कि 12 बज रहे हैं, सिलेक्शन टाइम स्टार्ट हुआ है, 12:05 पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आए थे, एक आया था 12:02 पे, एक आया था 12:03 पे, और ये सिंपल हम एक ले रहे हैं वर्ड काउंट की एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 12:02 पे जो डेटा आया था वो था कैट डॉग और 12:03 पे आया था वो है डॉग डॉग, ठीक है। तो अब लेट्स से जो ट्रिगर होना था जो ट्रिगर होने पे ही हमारा एक कोड एग्जीक्यूट होता था वर्ड काउंट वाला, तो उसने जब वर्ड काउंट किया, ठीक है, तो अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं, हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास ट्रिगर विंडो है 5 सेकंड बाद करना है, और एक हमने एक अपना विंडो बनाया हुआ स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, विंडो ग्रुप एग्रीगेशन विद इन 10 मिनट विंडो स्लाइडिंग एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हर 5 मिनट बाद जो है नया डेटा उठा रहा है, एक 12:02 पे आया था, एक 12:03 पे आया था, और उसकी जो ओवरऑल विंडो बन रही है हमारे पास वो 10 मिनट की बन रही है। हमने विद इन 10 मिनट्स चेक करना है कि आखिरी 10 मिनट्स में हमारे पास काउंट क्या था स्पेसिफिक वर्ड का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अगर विंडो देखेंगे ओवरऑल वो क्या बन रही है, 12:00 से लेकर 12:10 बन रही है, ठीक हो गया। ये चीज क्या हुई कि हम विंडो क्यों बना रहे हैं और ये स्लाइडिंग विंडो क्या है, ठीक है, जहाँ जेब करा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर 5 मिनट बाद आपके पास नया डेटा आ रहा है और आप हर 10 मिनट में चेक करना चाह रहे हैं कि हर 10 मिनट पीछे क्या था आपके पास, काउंट क्या था स्पेसिफिक वर्ड का। मैं कहता हूँ कि आपके पास पूरे एक घंटे का टाइम है, अब आप एक घंटे के अंदर आपने इसको 10-10 मिनट पर डिवाइड कर दिया तो आपके पास 6 इंटरवल बन गए, तो आपने हर एक 6 इंटरवल में चेक किया कि 10-10 मिनट के अंदर क्या क्या काउंट आ रहा था स्पेसिफिक वर्ड्स का। जी हसन, सो जिस तरह सॉर्ट सपोर्टेड नहीं था क्योंकि डेटा इंक्रीमेंट हो रहा था कंटिन्यूसली, इस तरह काउंट भी तो सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी तो डेटा इंक्रीमेंट हो रहा है कंटिन्यूसली। काउंट बेसिकली क्या हो रहा है अगर आप उसको पढ़ें, Unless it's on aggregated data frame data set, ठीक है, तो aggregated data set के लिए perform वो है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो specific group करके उसको aggregate कर रहा होता है, तो aggregated में उसको एक specific एक group मिल जाता है कि यार specific group है इसको मैंने sort करना है, unbounded में तो उसको group ही नहीं मिल रहा होता, जो current data आ रहा होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या किया कि 12:05 पे डेटा आया कैट डॉग डॉग डॉग, तो उसने जो विंडो बनाई 5 मिनट बाद वो थी हमारे पास टोटल विंडो 12:10 की, तो उसमें कैट का काउंट था 1 और डॉग का काउंट था 3। अब आफ्टर सेकंड इंटरवल, जब सेकंड इंटरवल आया 12:05 से 12:10 वाला, तो अब उसमें क्या हुआ हमारे पास एक और इंटरवल बन गया है 12:15 वाला, 12:05 से लेकर 12:15, क्योंकि हम 10 मिनट की विंडो चेक कर रहे हैं हर 5 सेकंड बाद 5 मिनट के बाद की, और एक 12:10 वाली,
क्योंकि 12-10 वाली यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक खत्म होगी। तो अब हमारे पास आ गया 12-7 पे ऑल केट, ठीक है। तो अगर हम 12 से लेके 12-10 वाली काउंट में चेक करें, पहले हमारे पास का काउंट था कैट का 1, तो अब एक और आ गया कैट, तो हमारे पास काउंट का कैट का काउंट हो गया 2, डॉग 3 रहेगा और ओवल जो है वो नया काउंट आ गया। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हमारे पास एक और विंडो बन रही है 5 से 15 वाली, तो 5 से 15 वाली में अगर चेक करें तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आए हैं, एक आया है कैट 1 ओवल 1, ठीक है। ये चीज समझ आई? जी जान जी, 12-10 के जो विंडोज हैं इसमें जो नीचे वाली दो विंडोज हैं, मेरे ख्याल इसमें 12 से लेके आपके आवाज से आपके आवाज ठीक से नहीं आ रही जान जी। अब ठीक है? जी जी अब ठीक है। हाँ, ये जो 12-10 पे जो विंडोज हैं में जो नीचे वाली दो विंडोज हैं, तो इसमें स्पेन टेबल यू नहीं होनी चाहिए 12-10 से लेके 12-20 तक? सॉरी, क्या होना चाहिए था दोबारा बता दें। 12-10 पे जो हमारे पास विंडोज हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से नीचे वाली जो दो हैं, हाँ, उसमें इंटरवेल है 5 से 12-15, तो मेरा ख्याल है कि 12-10 से 12-20 होने चाहिए ना, क्योंकि 10 मिनट की विंडो, 10 मिनट पर बन रही है विंडोज, 10 मिनट की बनेगी विंडो, लेकिन आपका स्लाइडिंग इंटरवल क्या है? 5 मिनट के बाद वो तो ऊपर चल रहा है ना, 12-12, 5-12, 10-12-15, लेकिन जो विंडोज के जो इंटरवल है वो तो 10 मिनट के है ना। हाँ बिल्कुल, तो 12-10 से 12-20 बनना चाहिए ना, ये है ना यहाँ पर। नहीं, वो आगे, मैं सेकंड 12-10 वाले इवेंट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से 12 से लेके 12-10 का एक इवेंट बना, फिर 12-5 से 12-15 का एक इवेंट बना, फिर 12-10 से 12-20 का एक इवेंट बना, इस तरह 5 मिनट ऐड होते जा रहे हैं और वहां से आगे जाके स्लाइड होते जा रहे हैं इंटरवल। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा नहीं आया, देख लेते हैं। असल में वो थोड़ा सा खैर कंफ्यूजिंग है, इसको दोबारा आप थोड़ा सा एक थोरली दोबारा पढ़ेंगे, स्लाइडिंग विंडो और ग्रुपिंग विंडो, ठीक है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि वो कह रहा है कि लेट्स से 12 के बाद 5 मिनट ऐड कर दो और 5 मिनट के बाद जो एक विंडो बनेगी 10 मिनट की वो उठाओ, तो 5 मिनट के बाद जो विंडो बन रही है 5 से लेके 5-15, ठीक है। तो इसी तरह हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 12 से लेके 12-10 की विंडो बनी है, फिर 12-5 से 12-15 की, फिर 12-10 से 12-20 की, फिर 12-15 से 12-25 की, तो इस तरह ये विंडोज बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए थे। जी आमिर, ये मुझे इसका कोई रियल टाइम नहीं लग रहा, जस्ट एन एक्सरसाइज है ये, अदरवाइज मतलब अगले 5 मिनट। हाँ, रियल टाइम क्यों नहीं लग रहा? मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, उनके पास थी राइडर्स थे एप्लीकेशन, लाइक जिस तरह फूड डिलीवरी के राइडर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास डिलीवरी के राइडर्स थे और उन्होंने चेक करना था कि उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कितने राइडर्स एक्टिव है, कितने राइडर्स फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक एग्रीगेशन पाइपलाइन निकालनी थी कि यार, उन्होंने चेक किया कि लास्ट 1 आवर में हर 15 मिनट की स्लाइडिंग विंडो में उनके पास कितने राइडर्स एक्टिव थे, कितने राइडर्स बिजी थे, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रॉपर यूज केस दिया था मुझे, हमने किया था ये, तो ये रियल टाइम का यूज केस ही है। नहीं, मैं मेरा आधा क्वेश्चन का आंसर सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 12-15 पे अगर मैं 12-10 से 12-20 का इंटरवल चेक करूंगा तो अगले 5 मिनट में तो अभी कुछ भी नहीं है ना। सॉरी, दोबारा बताएं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिस वक्त भी चेक कर रहे हैं उससे अगले 5 मिनट्स को चेक कर रहे हैं, उस 5 मिनट्स में तो कोई डेटा है नहीं, वो तो हमेशा ही एम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ पर देखें, 12-10 है और 12-15 की विंडो है, ठीक है जी। ये वाला जो डेटा है 12-7 वाला जी, ये दोनों विंडोज के अंदर आ रहा है, 12-10 के अंदर भी आ रहा है, 12-15 वाली विंडो के अंदर भी आ रहा है, तो आ तो रहा है ये डेटा। यही क्वेश्चन था ना आपका, या डिफरेंट क्वेश्चन था आपका?
जी, मैं मेरा क्वेश्चन शायद आपने आंसर कर दिया। मैं ये कह रहा था कि 12:10 पे जिस वक्त हम देख रहे हैं उस वक्त 12:05 से 12:15 तक का डाटा देख रहे हैं, जो कि एक्चुअली 12:10 तक का मतलब बल्कि 12:07 पे जो आया था, जो कि 10 मिनट तक ही का डाटा था। तो 12:10 से 12:15 का डाटा कोई नहीं है, वो तो एम्प्टी रिजल्ट सेट है, मतलब डाटा नहीं है। ये है ना 12:10 से 12:15 का डाटा, ये है ना 12:11 पे 12:13 पे, ये तो उस वक्त है ना जब हम 12:15 पे आते हैं, जब हम 12:10 पे हम कह रहे हैं। हाँ, लेट से अभी हम नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे ना, अभी तो अभी इधर आए हैं, ठीक है जी जी। अभी इसको जितना डेटा मिला वो तो शो करा रहा है, अब दोबारा जाएंगे तो आप दोबारा देखेंगे 12 से 12:15 वाले में उसमें काउंट बढ़ गया होगा। ओके ठीक है, असल में आप थोड़ा सा आगे सोच रहे हैं वो, ठीक है। अब अगर इस विंडो को देखें जरा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 12:10 से 12:15 पे दो रिकॉर्ड आए, एक डॉग आया 12:11 पे और एक ऑल आया 12:13 पे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो 12:05 से 12:15 की जो विंडो थी उसके अंदर ये रिकॉर्ड आते हैं, तो जैसे मेरे पास कैट वन था तो मेरे पास यहाँ पर कैट नहीं आया तो कैट वन ही रहेगा, ओवल वन था ओवल आ गया तो ओवल टू हो जाएगा, ठीक है। डॉग नहीं था, डॉग आ गया तो डॉग वन हो गया। अब देखें 12:05 से 12:15 वाली विंडो, अब सही इमेज बन रही है इसकी जी, ठीक है। अब ये वाली विंडो वापस खत्म होगी, अब 12:10 से 12:20 वाली विंडो शुरू हो जाएगी और सेम ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ये प्रोसेस। राइट, ठीक है। ये इस तरह आपकी एग्रीगेशन काम करती होती है स्पार्क में, अगर आप कोई स्लाइडिंग विंडो या ग्रुपिंग विंडो डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ना दोबारा इसको देखना पड़ेगा, ये मतलब एकदम से माइंड में ये चीज़ नहीं बैठती, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है क्या किस तरह काम कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फेमिलियर होना पड़ेगा इसका जी। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस मजीद इसमें, क्लियर क्लियर है जी। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है अगर आप इसको पढ़ लें, व्हाट एग्जैक्टली इज इवेंट टाइम, मैं जरा इसको ज़ूम भी कर लूँ अपने स्क्रीन पर दोबारा, ठीक है। तो ये वही सारी हम थ्योरेटिकली चीजें पढ़ रहे थे, तो आप लोग इसको काइंडली खुद भी थोड़ा पढ़ लें, एग्जैक्टली इवेंट टाइम क्या है, लेट्स डू सम विंडो इन आवर ओन, ये विंडो हम करना चाह रहे हैं ये भी पढ़ लें, फिर हम बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं हम।
जी ये चीज पढ़ ली है सबने, इसमें कुछ चीज क्लियर करनी हो क्वेश्चन हो? जी पढ़ ली है जी। अच्छा ये समझ आ गया कि हम विंडो किस तरह करना चाह रहे हैं आप? जी क्लियर है जी। अच्छा हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि हम जो हमारा यूज केस है जो क्लीन डीएफ है, जो ऊपर हमने क्लीन डीएफ बनाया था, उसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास हर सेकंड में, हर एक सेकंड पे कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो हम वो बेसिकली वो काउंट लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या है, क्लीन डीएफ में हमने वो कॉलम उठा लिया जिसके ऊपर हमने ग्रुपिंग करनी है, जैसे वो टाइम स्टैम्प भी होना चाहिए क्योंकि हम टाइम स्टैम्प ही देखेंगे हर सेकंड में कितना डेटा आ रहा है। तो फिर उसको हमने किया ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय के अंदर हमने एक विंडो डिफाइन कर दी एड के ऊपर जो क्या है 1 सेकंड की। अगर आप 5 सेकंड में देखना चाहते हैं तो वो 5 सेकंड कर लेना, क्योंकि हम करंटली करना चाह रहे हैं हर 1 सेकंड की देखना चाह रहे हैं, और उसका हम क्या लेना चाह रहे हैं काउंट। तो हर 1 सेकंड में जितना भी हमारे पास मैसेज आया होगा उसका हम काउंट ले रहे हैं। और अब यहाँ पर ऑटो वाइज सपोर्टेड है, क्योंकि अब ऑटो वाइज सपोर्टेड है क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेशन लगी हुई, ठीक हो गया? तो अब क्या होगा विंडो डॉट स्टार्ट, तो विंडो डॉट स्टार्ट का टाइम होगा उस पर अब आप वो कर सकते हैं। मैं इसका जरा स्कीमा देखता हूँ, स्कीमा देखूँ तो मैं पास क्या आ रहा है, विंडो के अंदर दो चीजें आ रही है स्टार्ट एंड और काउंट। तो हम क्या करेंगे सिंपल, इसको डिस्प्ले करने के लिए मैसेजेस पर सेकंड सेलेक्ट के अंदर विंडो डॉट स्टार्ट किया उसको एलियस दे दिया स्टार्ट, और विंडो डॉट एंड किया उसको एलियस दे दिया एंड, और काउंट ले लिया। तो अब अगर मैसेज देखें हम, ये थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, इसके हम नीचे देखेंगे रीजन भी, ठीक है? आप इसको क्लिक करें स्पार्क जॉब्स को। नहीं नहीं वो स्पार्क जॉब तो खैर वो बना रही है, वो डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। डेटा भी दिखा रहे हैं नीचे, डेटा अभी तक आया नहीं है, चलो वो असल में दूसरा रॉ डेटा उठा रहा है। ओके। अब आगे ठीक है जी, मेरे पास आगे 151 पोस्ट, और वो देखे हर सेकंड में लाइक 7:30 है तो ये 7:38:40:39 था 40, उसके अंदर एक काउंट आया। 44 से 45 में 3 काउंट आया, 46 से 47 पे 1 काउंट आया, ठीक है? अगर आप इस तरह जाएंगे तो ये आता रहेगा आपके पास काउंट। अब मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर लेता हूँ, और स्टॉप करके मैं फिर अच्छा मेरे पास टोटल 176 रिकॉर्ड आए। अब मैं इसमें से चेक करना चाहता हूँ काउंट पे सॉर्ट करके, तो मैं जस्ट एक थ्रूपुट चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जस्ट एस्टिमेट लेना चाहता हूँ कि मेरे पास पर सेकंड में मैक्सिमम कितने मैसेजेस आ सकते हैं, ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज वगैरह मैनेज करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास पर सेकेंड जो सबसे मैक्सिमम काउंट आया हुआ है वो 41 का आया हुआ, और वो कौन सा सेकेंड है, 15 से 16 वाला सेकेंड है। तो इस पर अगर मैं देखूँ मेरे पास 41 का काउंट आया हुआ है, ठीक है? तो स्पेसिफिक सेकेंड पर मेरे पास 41 रिकॉर्ड जनरेट हुए, ठीक हो क्या? आप लोग इस तरह करके चेक कर लें। ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस कंसल्टेशन की बात करें, आपने ऊपर देखा जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था, उसकी रीजन ये थी कि स्पार्क में बाय डिफॉल्ट जो आपके पास पार्टीशन चल रही होती है वो है 200। तो कभी कभी कुछ ऐसे यूज केसेस होते हैं कि आपको पार्टीशन चाहिए होती है, लेट्स से 8 से 7 पार्टीशन चाहिए होती है, बाकी जो 200 पार्टीशन है वो भी चल रही होती है, तो वो एम्प्टी चल रही होती है।
वो एम्प्टी चल रही होती है तो वो भी ऑक्यूपाई करती है उसको कंप्लीट करने में, सारी चीजें करने में, ठीक है। लेट्स से ये देखे 40/200, 4 रनिंग है लेकिन बाकी 200 वैसे ही है। तो हमें क्या है, इस केसेस में क्या होता है, हमें पार्टीशंस कम करनी पड़ती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो उसको कम करने का क्या तरीका है, ये प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है spark.conf.tuple.set, उसके अंदर spark.sql.tuple.partitions, उसको मैंने ऐड कर दिया है, इसको हम चला लेते हैं। जब ये मैंने सेट कर लिया तो ऊपर जो थी इसको मैं नीचे दोबारा चलाता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, जो कि थोड़ा सा टाइम ले रही थी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन ये था कि अभी प्रीवियसली हमने ग्रुप बाय किया है डाटा, तो उसमें हमने सिंपल आफ्टर सर्टन इंटरवल हमने एग्रीगेट ले लिया है, अकाउंट ले लिया है, तो उससे पहले जो हमने कंसेप्ट देखा था वो स्लाइडिंग विंडो का था, तो ये भी हम कहीं यूज कर रहे हैं या वो जस्ट समझने के लिए था स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट जो था? हाँ, इसमें अभी करंटली स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रुपिंग विंडो यूज हो रहा है फिलहाल, ठीक है। ठीक, स्लाइडिंग विंडो आप उसके बाद डिफाइन करते हैं कि स्लाइडिंग क्या डिफाइन करना है। फिलहाल हम एक कर रहे हैं ग्रुपिंग विंडो देख रहे हैं, सेकंड पर सेकंड देख रहे हैं, पर सेकंड में स्लाइडिंग विंडो हो भी नहीं सकती अब, मतलब और क्या माइक्रो सेकंड में चेक करना चाहेंगे आप, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर मैंने प्रॉपर्टी सेट किया तो आप देखेंगे आपके पास ये वाला कोड है वो थोड़ा फास्ट चलने लग गया, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप पार्टीशन देखेंगे तो आप वहाँ पर 200 दें, यहाँ पर आपके पास ये देखे 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो 8 चल रहे थे, अभी आप 200 चल रहे हैं, तो इसलिए फास्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया शॉर्ट पार्टीशन का, कि ये क्यों जरूरी है कम करना, किसी केस में आपको बढ़ाना भी पड़ जाता है लेकिन कम करना क्यों जरूरी है। जी जान दे, मैं ये पूछ रहा था कि अगर फर्ज करें कि सोर्स डेटा में टाइम इंस्टेंट नहीं है तो रिपीट टाइम के ऊपर मैं अपनी विंडोज बना सकता हूं, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, सोर्स के ऊपर अगर आपके पास टाइम स्टैम्प नहीं है तो लेट्स से आप जिस भी इवेंट के थ्रू मैसेज उठा रहे हैं, काफ्का के थ्रू या किसी भी थ्रू उठा रहे हैं, तो उनका अपना भी एक टाइम स्टैम्प होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप वो उठा सकते हैं, लेकिन टाइम स्टैम्प होना आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना फिर आप डिफाइन कैसे करेंगे आप? हाँ जी, वरना फिर डिफाइन कैसे करेंगे कि आपको इवेंट कौन से टाइम पे आया था? अगर आपका स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है उसमें टाइम स्टैम्प ही नहीं है तो मतलब वो तो फिर स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो ही सकती ना। लाइक मैं ये अज्यूम कर लूं कि जो मेरा इवेंट टाइम है वो रिसीव टाइम ही है, मतलब जिस वक्त मैं मुझे रिसीव हुआ वही इवेंट टाइम है, और उसके ऊपर एनालिसिस मैं करना चाहूं। लेट्स से कि आप कहते हैं कि यार मेरे पास सोर्स में टाइम स्टैम्प है ही नहीं और आप फिर उसको स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जिस टाइम आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं उस टाइम ही आप कोई करंट टाइम स्टैम्प उसके ऊपर लगा दें कि करंट टाइम स्टैम्प पे रिसीव हुआ है, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होगी टाइम स्टैम्प की, एग्जैक्ट इवेंट टाइम की वैल्यू नहीं होगी। अच्छा जी, ये हो गया जी। इसके बाद है एडिशनल परफॉर्मेंस कंसीडरेशंस। अच्छा, अब जो ऊपर हम ये यूज के चला रहे थे पर सेकंड जो है हम चेक कर रहे थे, अब पर सेकंड मैं कहता हूँ कि इसको मैं 2 से 3 आवर्स के लिए चलाता हूँ, तो मेरे पास तो अभी ये मैंने कुछ सेकंड्स के लिए चलाया था, मेरे पास 176 रोज आए थे। अगर मैं इसको 2 से 3 आवर्स के लिए चलाऊंगा तो आप कहते हैं कितने रोज आने चाहिए मेरे पास, कोई अंदाजन? लाखों तो आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो चीज लोड हो रही है, ये चीज जो है आपकी इन मेमोरी लोड हो रही है, जो आपकी स्पार्क की रैम है उसके अंदर लोड हो रही है। तो इवेंचुअली होगा क्या कि जिस तरह आपके डेटा बढ़ता जाएगा, जिस तरह आपकी मैम रैम जो है ना वो सॉरी रैम जो है ना वो बढ़ती वो फुल होता जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास लेट से 8 GB रैम था, वो आपके पास फुल होने लग गया है, ठीक है, लेकिन आपने चलानी भी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसकी एक एडिशनल परफॉर्मेंस कंसीडरेशन होती है, वो होती है जी वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग का हमने पिछले एक ग्राफ में भी देखा था और अभी मैंने कहा इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो ये वाली चीज़ ज़रा थोड़ा सा पढ़ें, इन दोनों चीज़ों को फिर बताएं।
फिर मैं आपको बता दूंगा इसको करना किस तरह है। एडिशनल परफॉर्मेंस कंसिडरेशन वाले को पढ़ें और वाटर मार्किंग को पढ़ें। जी ये चीज पढ़ ली है सबने? पढ़ ली है लेकिन एक्सप्लेन कर दें वाटर मार्किंग को। ठीक है, किसको समझ आया, वो क्या समझाना, मतलब कुछ समझाना चाहेगा इसमें कि क्या प्रॉब्लम थी और हम उसको किस तरह सॉल्व करना चाह रहे हैं? एनीवन जिसको समझ आ गई हो कुछ चीज? एक घंटे का डेटा अपने पास जो है मेमोरी में स्टोर करना है,
एक घंटे से जो पिछला डेटा वो जो है मेमोरी से बेसिक रिमूव कर ले, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ वो डिफाइन कर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाटर मार्किंग क्या करता है कि आप अपना ना एप्लीकेशन का एक कट ऑफ टाइम डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास पिछले 12 घंटे का डेटा मेमोरी में लोड हो रहा है, तो लेट्स से मुझे 12 घंटे का डेटा ही मेरे लिए सफिशेंट है मेरे बिजनेस यूज के लिए, उसके अलावा जो मेरा बाकी डेटा है जो कि एडिशनली रैम में लोड हो रहा है मैं उसको क्या कर दूँ, मैं उसको फ्लश आउट कर लूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप वाटर मार्क डिफाइन करते हैं। वाटर मार्क में स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं कि मैंने इतने घंटे का डेटा रखना है, बाकी सारा मैंने मेमोरी से उड़ा देना है। ठीक हो गया, तो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके अलावा हैंडलिंग लेट डेटा, अगर कोई लेट डेटा आता है इसको कैसे देखते हैं, तो इनको थोड़ा सा भी हमारी ये एग्जांपल्स रहती है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इसको हम प्रैक्टिकली वाटर मार्किंग को भी करते हैं और उसके अलावा जो लेट डेटा की कुछ वो है स्लाइड्स है इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं जी, हाफ एन आवर की ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह 12:25 तक दोबारा इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, जी ओके। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं जी, आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा, वाटर मार्किंग वगैरह हमने पढ़ ली थी, एडिशनल परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस वगैरह पढ़ ली थी। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है हैंडलिंग लेट डेटा का। ठीक है, लेट्स से कि हमने पिछली एक एग्जांपल देखी थी, ये वाली वही 10 मिनट्स की स्लाइडिंग विंडो थी हमारे पास और 10 मिनट्स की ग्रुप विंडो थी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स जो के सिस्टम में लेट जनरेट हो, हमारे पास लेट आए हो, तो उसको स्पार्क किस तरह हैंडल करता है। ठीक है, तो उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं हम लोग, तो उसको जरा क्विकली से देखते हैं क्योंकि ये पिछली एग्जांपल इसको हमने डिटेल में कवर की थी। तो ये बेसिकली हो गया रहा है कि आपके 12 से 12:05 के विंडो के अंदर आ गया कैट डॉग और डॉग डॉग। ठीक है, जो कि कैट और डॉग उस अकाउंट ले लिया उसने 3। फिर 12:05 से 12:10 उसमें एक ओवल और कैट आया, तो उसने वही 12:10 की विंडो बनाई और 12:05 से 12:15 की एक और विंडो बनी। ठीक है, अब जब 12:10 से 12:15 पे, अब अगर मैं यहाँ पर डेटा देख रहा हूँ, तो एक तो 12:13 पे रिकॉर्ड आया ओवल का, तो वो तो समझ आता है कि वो इस स्पेसिफिक विंडो में सेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक 12:04 का रिकॉर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ स्पार्क ने क्या किया, हालांकि होना ये चाहिए था कि जो बाकी नॉर्मल जो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है वो क्या करते हैं कि वो इस रिकॉर्ड को भी 12:10 से 12:15 में ही कंसिडर करेंगे या इग्नोर कर देंगे। लेकिन स्पार्क ने क्या किया, स्पार्क ने टाइम स्टैम्प से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो 12:04 का रिकॉर्ड है वो स्पेसिफिक विंडो से बिलोंग करता है, 12 से लेके 12:05 में। तो उसने जो डॉग का काउंट है वो अगर आप इधर देखेंगे, ये 12 से लेके 12:10 वाली विंडो उसके अंदर अपडेट कर दिया है, पहले यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 कर दिया। हालांकि यहाँ पर 12:10 से 12:20 की विंडो थी, ये 12 से 12:10 वाली विंडो खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्टिल स्पार्क इतना इंटेलिजेंट था कि उसने देखा कि आपके पास ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड था, ये तो स्पेसिफिक विंडो से बिलोंग करता था, तो उसने जाके उसको उधर एग्रीगेट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार लेट रिकॉर्ड अगर आपको आता है स्पार्क में तो वो क्या होता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि यार वो स्पार्क है बाय डिफॉल्ट उसको खुद हैंडल कर रहा है बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प। ठीक है, आपको खुद से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आप इसे कंपेरिजन कोई डिफरेंट टूल्स देखें लाइक फ्लिंक हो गया या इसके अलावा कोई और वगैरह हो गया, ठीक है, तो उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है लेट रिकॉर्ड हैंडल करने के लिए। या तो आपको कोई कस्टम खुद कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम लिखना पड़ेगा या आपको इग्नोर करना पड़ेगा लेट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्पार्क जो है इटसेल्फ इतना इंटेलिजेंट है कि उसने ये चीज को पिक कर ली। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, ये समझ आई है एग्जांपल लेट रिकॉर्ड किस हैंडल हो रहे हैं। जी आ गई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर लेट रिकॉर्ड स्पार्क किस तरह हैंडल करता है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं उसी स्पेसिफिक एग्जांपल पे जहाँ पर हमने 1 सेकंड के अंदर काउंट लेना था, लेकिन इस दफा हमने क्या किया कि हमने एक वाटर मार्क डिफाइन कर दी। अगर आप देखें एरर df.watermark, मैंने किया कि यार जो वाटर मार्क है वो कैप्चर एड पे लगाना है और वाटर मार्क कितने मिनट का लगाना है, 1 मिनट का। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा रहेगा वो हमेशा 1 मिनट का रहेगा,
एक मिनट से ग्रेटर जितना भी डेटा हो जाएगा उसको स्पार्क जो है बाय डिफॉल्ट मेमोरी से फ्लश आउट कर लेगा, ठीक है। तो मेरे पास मेमोरी में जितना भी डेटा रहेगा वो एक मिनट का ही रहेगा, एक मिनट में मेरे पास कितने रोज आ जाएंगी, 60 सेकंड होते हैं पर सेकंड, अगर हमें रो उठा रहे हैं तो मैक्सिमम 60 रिकॉर्ड होंगे, तो 60 रिकॉर्ड को मेमोरी में स्टोर करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये जैसे एक एग्जाम्पल है, रियल टाइम में 30 मिनट भी हो सकता है, 7 मिनट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यूज केस, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने ग्रुप बाय किया, यासमी सॉरी टू इंटरप्ट, ये मुझे एक चीज बताते हैं कि अगर जब आपने लेट बताया कि जो लेट रिकॉर्ड्स होते हैं अगर ये वाटरमार्क लगा देंगे हम और वो लेट आता है तो वो इसको इस एक मिनट के अंदर कंसीडर करेगा या पुराने वाले पे कंसीडर करके इस पर डिस्कार्ड करेगा फिर। अच्छा लेट से कि मेरे पास एक मिनट की पिछली विंडो जो है वो खत्म हो चुकी है और वो जो लेट रिकॉर्ड आया वो स्पेसिफिक विंडो का आया, ठीक है जी जी, उसको कैप्चर नहीं करेगा, उसकी विंडो खत्म हो चुकी है, अब वो काम की नहीं है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन ये अभी हम बहुत क्लोज एग्जांपल देख रहे हैं, एक मिनट की देख रहे हैं, रियल टाइम में इस तरह नहीं होता, रियल टाइम में 60 मिनट्स 1 आवर 2 आवर्स इस तरह के विंडो रख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो हम तो सिर्फ एग्जांपल के लिए देख रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लास में 1 आवर 2 आवर वेट नहीं कर सकते ना किसी चीज का, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है हमने, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये तो विद वाटर मार्क लगाया मैंने एक मिनट का और मैंने सिंपल वही ग्रुप बाय किया कैप्चर्ड एट पे, एक सेकंड की मैंने विंडो बनाई और उसको मैंने काउंट ले लिया और एंड मैंने सिलेक्ट क्या किया स्टार्ट एंड काउंट और ऑर्डर बाय मैंने स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो कुछ ज़्यादा खास में फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन ये इस तरह ही करेगा बिहेवियर कि एक सेकंड से सॉरी एक मिनट से अगर आपको डेटा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा उसको खुद ही वो कर देगा फ्लश आउट कर देगा मेमोरी से। इसमें अगर आप सर्टेन इंटरवल पे देखेंगे तो आपके पास कभी कभी रिकॉर्ड ना कम भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है कि बीच में फ्लशिंग चला रहा है, ये देखिए 118 से अभी 110 हो गए, 114 हो गए, तो 115 कुछ रिकॉर्ड वो फ्लश आउट भी हो रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड जो है 3-3 करके ऐड भी हो रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक बैलेंस चल रहा है, पहले क्या होता है कि मेरे पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लाइक इस टाइम तक मेरे पास 1000 तक पहुँच जाता था, लेकिन अगर अभी इधर देखें तो मेरे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ 132 रोज है, 136 हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, एक मिक्स एंड मैच चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड वो पीछे से डिलीट भी कर रहा है और कुछ रिकॉर्ड वो नए इंसर्ट भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें काउंट हर दफा एक क्यों आ रहा है? काउंट एक तो नहीं है ये, तो अगर इसको हम देखें मेरे पास 8 भी आ रहा है, ये तो एक सिर्फ एक नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रोकूं एक मिनट तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट काउंट है आ रहा है, ठीक है, 8 का भी आ रहा है, 7 का भी आ रहा है, सिर्फ 1 का आ रहा है। जी ये क्वेश्चन किसी का था, सॉरी जी आंसर हो गया, वो सर में सॉर्ट हुआ था ना काउंट से ऊपर 1 थे तो इसलिए वो कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, ठीक हो गया। अच्छा तो इस तरह क्या करते हैं कि आप वाटरमार्क डिफाइन कर देते हैं ताकि आपके पास मेमोरी जो है वो बैकएंड पे लेट्स से अगर वो मेमोरी आके ऑक्यूपाई हो रही है तो वो क्या करेगा वो उसको फ्लश आउट कर देगा मेमोरी फिल होने से पहले, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से अगर आपने सारा का सारा डेटा इन मेमोरी रखना होता है, वैसे इन मेमोरी रखने हम वैसे कोई मैंने इस तरह यूज के स्पेस नहीं कि हमने इन मेमोरी रखना हो, लेकिन स्टिल अगर रखना हो तो वाटरमार्क डिफाइन करते हैं, वरना हम अपना डेटा क्या करते हैं परसिस्ट ही करते हैं डेटा लेक में ताकि हमारे पास डेटा परसिस्ट हो और उसको मेमोरी में जाने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ होती है चेक पॉइंटिंग, इसको जरा आप काइंडली रीड करें और बताएं आप लोगों को क्या समझ आता है, मैं बताता हूँ।
पढ़ लिया सबने? जी पढ़ ली जी। अच्छा कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, किसी को समझ आया हो क्या चीज है इसमें? जी तला बेसिकली चेक पॉइंटिंग कॉन्सेप्ट वही है जो पहले भी हम डिफरेंट टूल्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं। वो यही है कि अगर आपका स्पार्क स्ट्रीमिंग का जो है ये प्रोसेस है ये स्टॉप हो गया फॉर एनी रीजन, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, तो उसको वो जो लास्ट विंडो किस टाइम की चली हुई है या कौन लास्ट रिकॉर्ड कौन सा उसके पास आया था, वो इस तरह की चीज़ें अपने पास सेव कर लेगा। उसका फायदा ये होगा कि जो व्हेनेवर वो अप होगा तो उसके बाद से वो दोबारा उस पॉइंट फॉरवर्ड से स्टार्ट करना शुरू कर देगा उसको। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है कि ये अपने पास ना स्पेसिफिक जिस भी सोर्स से वो मैसेज रीड कर रहा है उसके पास अपने पास एक ऑफसेट मेंटेन कर रहा होता है कि यार मैंने लास्ट जो मैसेज रीड किया था वो इधर तक रीड किया था सक्सेसफुली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका प्रोसेस चलेगा तो वो क्या करेगा, प्रीवियस चेक पॉइंट को देखते हुए उससे कंटिन्यू करेगा। लेट्स से आपकी स्टॉप एप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है या आप किसी मेंटेनेंस के लिए इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो बजाय कि वो दोबारा पूरा का पूरा डाटा दोबारा प्रोसेस करें वो स्पेसिफिक चेक पॉइंट पे जाके उसको हिट करके वो डेटा उठा लेगा। ठीक है, तो इसलिए चेक पॉइंटिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें स्पार्क में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक चेक पॉइंट की डायरेक्टरी बनाएंगे और चेक पॉइंटिंग की एग्जांपल करेंगे एक साथ। तो हम क्या करेंगे कि यूजर होम मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ऊपर अगर आप वेरिएबल देखेंगे मेरा अपना यूजर नेम से होगा उसके अंदर डायरेक्टरी है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं चला लेता हूँ उसको। तो वो टू मतलब मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी तो वो आप उसको रिमूव कर दिया इसने। आप लोगों के पास मैं भी अगर चलाएंगे तो शायद फॉल्स आ रहा होगा। फॉल्स का मतलब है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी चलाता रहा हूँ काफ़ी चीज़ें तो ये इसलिए एग्जिस्ट करती थी। तो क्या किया कि चेक पॉइंट डायरेक्टरी मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी एक अपनी एक स्ट्रीमिंग क्यूरी बना रहा हूँ। एक विंडो डी एफ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था ये उसके अंदर मैंने वाटर मार्क वगैरह सब कुछ डिफाइन कर दिया था। अब उस विंडो डीएफ को मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू चला रहा हूँ। प्रॉपर एप्लीकेशन इस तरह कि मैं राइट स्ट्रीम करा रहा हूँ, विंडो डीएफ डॉट राइट स्ट्रीम, आउटपुट मोड है कंप्लीट राइट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन क्या है, चेक पॉइंट मेरा चेक पॉइंट डायरेक्टरी जहाँ से मैं रीड करूंगा अगर नेक्स्ट मेरा जो फेल हो जाए। फॉर्मेट क्या है, मैं उसको स्टोर कहाँ करना चाह रहा हूँ, मेमरी में। मेमरी का मतलब है कि जो रिकॉर्ड जाएंगे सारे रैम में जाकर स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेके मैं क्यूरी नेम डिफाइन कर रहा हूँ। क्यूरी नेम का मतलब है माई क्यूरी। माई क्यूरी का मतलब है कि ये जो अनबाउंडेड टेबल बन रहा होगा उस पर मैं नीचे जाके क्यूरी भी कर सकता हूँ। हम जाके नीचे देखते हैं और ट्रिगर ट्रिगर मैंने दे दिया कि हर 20 सेकंड के बाद चेक करें कि सोर्स में डाटा आया है या नहीं आया। ठीक है, और उसको स्टार्ट कर दें। तो ये पूरे के पूरे स्पार्क एक एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल होता है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन का, कि आपने एक अपनी विंडो डीएफ बनानी है जो भी विंडो है। ठीक है, या नॉर्मल विंडो है उसको भी आपने राइट कराना होता है। राइट में अपने आउटपुट मोड बताना होता है, अपेंड है, कंप्लीट है या अपडेट वाला है। चेक पॉइंट लोकेशन बतानी होती है, फॉर्मेट बताना होता है कि आपने काफ्का में राइट कराना है, मेमोरी में राइट कराना है, एचडीएफएस में राइट कराना है। क्यूरी नेम बताना होता है कि जैसे अगर यूजर ने रन टाइम पे क्यूरी करनी हो, और ट्रिगर बताना होता है। ट्रिगर ये कि आपने कितने टाइम बाद आपने अपना प्रोसेस ट्रिगर कराना है, और एंड में जो स्टार्ट है वो सिंपल ये कि आप पेज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ इंक्लूडिंग ऑल द मतलब जो भी सारी चीज़ें कवर करनी थी, चेक पॉइंटिंग हो गई, वाटर मार्किंग हो गई, विंडोज हो गई, ठीक है सब कुछ, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको स्टार्ट किया ये मुझे यहाँ पर शो तो कुछ नहीं कराएगा क्योंकि सिंपल और सिंपल एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं चेक पॉइंट वाली लोकेशन है उसको चेक करूँ तो ये अपने बैकएंड पे कुछ चेक पॉइंट मेंटेन कर रहा होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर उसने क्या किया, कुछ चेक पॉइंट मेंटेन कर रहा है, मॉडिफिकेशन टाइम, इसने लास्ट टाइम कहाँ से रीड किया था, कहाँ से रीड नहीं किया था। तो ये स्पेसिफिक एक फोल्डर था उसके अंदर चेक पॉइंट के अंदर मेटा डेटा के अंदर इसने कुछ ये रिकॉर्ड रखे हैं मॉडिफिकेशन टाइम वगैरह। इसको मैं दोबारा चेंज चेक करता हूँ तो ये हो सकता है चेंज हो गया टाइम स्टैम्प इसका। तो ये वो 20 सेकंड का वेट करेगा फिर जाके चेक पॉइंट अपडेट करेगा।
ठीक है, तो जैसे ऐसा कोई डेटा मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर अपने चेक पॉइंट भी अपडेट कर देगा जो फिलहाल इसको कोई डेटा नहीं मिला। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह किया है कि आपके चेक पॉइंट यहाँ पर मेंटेन हो रहे थे स्पेसिफिक लोकेशन में, इस लोकेशन को आप कहीं भी डायरेक्ट ला सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारा जो करंट यूजर था उसके यहाँ से हमने डायरेक्शन बनाई थी, उसके अंदर अपने चेक पॉइंट डायरेक्ट करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो माई क्यूरी है ये रही जो मैंने इधर डिफाइन किया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ से सिंपल सेलेक्ट डायरेक्ट करता हूँ, देखते हैं जरा, 164 रिकॉर्ड आया मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा क्यूरी करता हूँ, स्टिल 164, क्योंकि 20 सेकंड का मैंने गैप दिया हुआ, तो 20 सेकंड के बाद जब चलेगा ये कोई नया रिकॉर्ड लेके आया होगा, होपफुली 182 हो गए। ठीक है, तो ये अब अनबाउंडेड टेबल की एग्जांपल है कि इसके ऊपर आप कोई भी क्यूरी कर सकते हैं। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, आगे जाके वेयर लगा दे, वेयर स्टार्ट इज इक्वल टू दिस, या काउंट इज ग्रेटर देन 4 हो गया, या कुछ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये अनबाउंडेड टेबल है, अभी 182 है इसके अंदर रिकॉर्ड। अब लेफ्ट से देखते हैं इसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड आया नहीं आया, 206 हो गए। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास क्या हो रहा है कि ये अनबाउंडेड टेबल बन गया। अब इस स्पेसिफिक माइक ये जो भी ये टेबल नेम है, इसको आप किसी भी यूजर को दे दें, जो भी आपके पास डेटाबेस में लॉगिन होगा वो स्पेसिफिक टेबल पे क्यूरी कर सकता है और अपनी एनालिटिक्स निकाल सकता है। ये तो भाई एक सिंपल एग्जांपल है हमारी स्टार्ट एंड एंड ऑफ काउंट की। इस तरह आपके पास जो भी बिजनेस यूज केस के अराउंड होंगे वो आप क्यूरी कर सकते हैं। मैं दोबारा चेक करता हूँ रिकॉर्ड बढ़ा या नहीं बढ़ा, 206 से ये हो गया 227 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है जी। मेरा इसमें क्वेश्चन है, एक तो आपने वो जो बताया था कि चेक पॉइंट डायरेक्टरी में आपका ट्रू आ रहा है और हमारा फॉल्स आ रहा है, जैसे मैंने भी इसको अप्लाई किया तो मेरा फॉल्स आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? और दूसरा ये कि जब हम इसे डिस्प्ले करवाते हैं चेक पॉइंट डायरेक्टरी को, तो इसमें जो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, फॉल्स आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपके पास वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आपने उसको रिमूव किया अटेम्प्ट करने की, तो उसने कहा कि वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो रिमूव कैसे करेगा। ठीक है, मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती थी पहले से, तो मैंने जब चलाया तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की डायरेक्टरी होगी, या ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी डायरेक्टरी जो है, यानी इसका होने का क्या फायदा है? डायरेक्टरी ये रही DBFS, उसके अंदर यूजर, मेरा यूजर नेम, उसके बाद चेक पॉइंट। ठीक है, ये डायरेक्टरी हमने क्या किया, अगर ये एग्जिस्ट करती है उसके अंदर ऑलरेडी कोई मेटा डेटा पड़ा हुआ है तो उसको क्या कर दो, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, उसने एप्लीकेशन दोबारा चलानी है कि वो उसके साथ एप्लीकेशन कॉन्ट्रेडिक्ट ना करें। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर है। फिर क्या किया, जब मैंने यहाँ से चलाया तो मेरे पास वो एग्जिस्ट करती है पहले से, क्योंकि मैं पहले भी एप्लीकेशन चलाता रहा हूँ बाकी क्लासेस के लिए, तो मेरी वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो उसने डिलीट कर दी, तो उसने रिटर्न कर दिया। आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं अपने यूजर से, तो आपके पास वो डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसने क्या कर दिया, उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया कि एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, जब ये पर दोबारा चेक पॉइंट डायरेक्टरी डिफाइन की, ये क्या करेगा, उस चेक पॉइंट डायरेक्टरी को दोबारा बना देगा, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से वो दोबारा बना देगा। ठीक है, ठीक है, अब अगर उस चेक पॉइंट डायरेक्टरी की लोकेशन देखे हम, वहाँ पर ये चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर चेक पॉइंट डायरेक्टरी में देखें, यहाँ पर है मेटा डेटा, मेटा डेटा के अंदर हम मजीद जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कोई मजीद इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक नया टैब ऐड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर करता हूँ जी परसेंटेज FS, फाइल सिस्टम होता है, और मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ LS। ठीक है, ये आ गया, इसके अंदर है जी मेटा डेटा, इसका साइज है 45, तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन टाइम है। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर मैं दोबारा स्लैश करके चेक करता हूँ उसके अंदर मजीद कुछ है। इसको अगर मैं कैट करके देखूँ, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर कैट चलेगा या नहीं, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं।
कैट इज नॉट, ठीक है हेड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है हेड किया मैंने तो इसने उसके अंदर मुझे क्या किया, उसके अंदर फाइल के अंदर जो डेटा था उसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है ये एक स्पेसिफिक आईडी है और ये इस आईडी को स्पार्क जो है इंटरनली कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि मैंने किस किधर से डेटा रीड करना है, कहाँ से डेटा रीड नहीं करना, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ये एक ऐसा एड्रेस है जहां तक उसने जो है वो ये बताना है कि यहां तक हम उसने कैलकुलेट कर लिया है और उसके बाद से वो शुरू करेगा दोबारा जो है नेक्स्ट टाइम। जी ठीक। अच्छा मेरे पास चेक पॉइंट नॉट डिफाइन वाली डायरेक्टरी का एरर मैसेज आ रहा है, मैंने दूसरी वाली कमांड चला भी दी है फिर भी यही आ रहा है। कौन सा कहां पर सॉरी? जब पहले आपने चेक किया कि वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करते अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते, तो उसमें वो चेक पॉइंट डायरेक्टरी नॉट डिफाइंड आ रहा है। उसके बाद मैंने सेकंड वाली चलाई जिसमें उसको क्रिएट कर देनी चाहिए थी, वो फिर भी उसने क्रिएट नहीं की, वो यही कह रहा है कि चेक पॉइंट नॉट डिफाइंड। नहीं आपने ये चलाया ये वाला कोड? जी जी वाला चलाया है, इस पे भी यही एरर है, नीचे वाला चलाया है उस पे भी यही एरर आ रहा है। आप जरा स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं शेयर करता हूं ये देखें। So, मैं ये वाला चला रहा हूं। कि यूजर होम नोट डिफाइन आया आपका। यूजर होम नोट डिफाइन का मतलब है कि आपके जो सबसे ऊपर कोर्स लाया था, ऊपर जाएं जरा सबसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में। हाँ जी ये चीज आपकी नहीं चली ना, देखे वो कह रहे स्किप स्किप, ठीक है अच्छा। आपकी चीज चली नहीं है तो तभी यूजर होम आपका नहीं आया। इसको चलाए जरा, तो दोबारा चला देते हैं। अभी भी स्किप कह रहे हैं। असल में ना आपको ये विंडोज पूरी रिफ्रेश करनी पड़ेगी ऊपर से। अच्छा आप चलाएं जरा इसको, क्योंकि आपका पहले से आप शायद सक्सेसफुल नहीं था, आपने नोट नहीं किया क्योंकि ये चले चलाएं जरा इसको। हाँ अब क्रिएट हो गया, ठीक है अब चल जाएगा। इसको चलने दे जरा थोड़ा सा, फिर आप नीचे जाके चेक करेंगे तो चल जाएगा वो, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। अच्छा ये एप्लीकेशन मेरी चल रही है और ये जैसे मैं अगर किसी भी गलत डेटा भी आ रहा है और अगर मैं इसको स्पार्क के थ्रू रीड करना चाहता हूँ, स्पार्क के थ्रू इस तरह रीड करते हैं spark.read.table, उसके अंदर मेरा माई क्यूरी दे रही है डिस्प्ले किया तो उसके अंदर भी आप उसको रीड कर सकते हैं। मेरे पास 94 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा उसके अलावा कुछ मॉनिटरिंग वाइज कुछ चीज़ें होती है लाइक स्ट्रीमिंग क्यूरी का, आप अगर नेम देखना चाहते हैं नेम क्या है तो आप इस तरह देख सकते हैं। मैं करके रहूँ माई क्यूरी आ रहा है, स्ट्रीमिंग क्यूरी का अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं करंटली क्या तो मैं देखूँ वो कह रहे राइटिंग ऑफसेट्स टू लॉग, मतलब कुछ डेटा अवेलेबल था वो अभी ऑफसेट लॉग में लॉग करा रहा है, इस ट्रिगर एक्टिव टूट था। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रिगर, अब वो क्या कर रहा है उसने एक ट्रिगर रेड करा दिया, अब दूसरे ट्रिगर का वेट कर रहा है 20 सेकंड का। इस डेटा अवेलेबल ट्रू डेटा है लेकिन अभी वेट कर रहा है, इस ट्रिगर एक्टिव फॉल्स है। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो इस तरह आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब देखिए प्रोसेसिंग न्यू डेटा, ठीक है तो ये हर टाइम जो है इसका स्टेटस चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन आपका जो ट्रिगर टाइम है। अब कह रहे हैं वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रिगर, आप इसकी लास्ट प्रोग्रेस भी दे सकते हैं अगर आपको क्लिक करें और ये अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होता है, एंड ऑफसेट क्या है, स्टार्टिंग ऑफसेट क्या था, डिस्क्रिप्शन में मेमोरी सिंक था, ठीक है पोर्ट क्या था जहाँ से डेटा रीड कर रहा है, तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास लास्ट प्रोग्रेस में आ रही होती है। अगर आप इसके बैकएंड पे एक्सप्लेन प्लेन देखना चाहते हैं, जिस तरह आप सीक्वल में एक्सप्लेन प्लेन देखते हैं कि सीक्वल की क्यूरी का एक्सप्लेन प्लेन क्या था, तो आप इसके स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के भी एक्सप्लेन प्लेन देख सकते हैं, ठीक है आपको फिजिकल प्लेन बताया जाता है, हैश एग्रीगेट हो रहा है, स्टेट स्टोर हो रहा है, ठीक है एक्सचेंज हैश पार्टिशनिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसको कर सकते हैं, फिल्टर यूज़ हो रहा है, माइक्रोबेस स्कैन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन प्लेन भी बता देता है स्पेसिफिक क्यूरी का। और एंड में अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे स्ट्रीमिंग क्यूरी डॉट स्टॉप, या तो आप ऊपर जाके जो एप्लीकेशन चल रही है आपके पास ये वाली, या तो इसको आप कैंसिल कर दें, या सिंपल यहाँ पर आप क्या कर दें स्टॉप कर दें। तो अगर मैं यह स्टॉप की कमांड चलाऊंगा, ठीक है अब मैं ऊपर आता हूँ तो वो ऊपर वाली कमांड कैंसिल हो जानी चाहिए, ठीक हो गया देखिए कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली।
ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी सबको जी। ये पूरे हमारे पास क्या था, एंड टू एंड एक्सपार्क स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हमने TCP/IP प्रोटोकॉल से डेटा गेट किया, जो कि बेसिकली डेटाबेस के सर्वर का एक एरर लॉग का डेटा था, और उस हमने एरर लॉग के डेटा को मजीद हमने रिफाइन किया, उसके ऊपर विंडो लगाई 1 सेकंड की, और हमने चेक किया कि हमारे पास हर एक 1 सेकंड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कितने हमारे पास एरर के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कुछ हमारे पास थी। तो अच्छा, ये एग्जांपल तो हमारी कवर हो गई है। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, काफ्का से डेटा रीड कर रहा है। आप लोगों ने काफ्का जो है हमारे बिग डेटा क्लास में कवर भी किया था, आप लोगों को काफ्का का आइडिया होगा, काफ्का किस तरह काम करता है, किस तरह हम उसमें टॉपिक्स बनाते हैं। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल जो है आप लोग सारे, मतलब आपके पास नोटबुक है, ये आप लोग सारे खुद कवर करें और उसको चेक करें, लेकिन मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, ये सेम उसी तरह आप लोग अपना क्लास सेटअप इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसको चलाएंगे, उसके बाद सर्वर के बारे में कुछ डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि विकिपीडिया से डेटा उठा रहा है। ये बेसिकली जो सर्वर है ये आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, आपको उसमें डेटा पुट करने की जरूरत भी नहीं है, सारा आपको बना बनाया एनवायरमेंट मिल जाएगा। सिंपल काफ्का के बारे में चीज़ें बताई हुई है कि उसके अंदर की होता है, वैल्यू होता है, टॉपिक होता है, पार्टीशन, ऑफसेट, टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर उन्होंने नीचे रीड का तरीका बताया हुआ है, काफ्का से रीड किया, बूटस्ट्रैप सर्वर क्या थे उसके, वो सर्वर 1.database.training, ये डेटाबेस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। सब्सक्राइब, ये टॉपिक का नाम है EN टॉपिक का नाम है, सब्सक्राइब आपने कर दिया, लोड कर दिया, उसमें से टाइम स्टैम्प सिलेक्ट किया और वैल्यू को पास करके स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लिया। फिर इन्होंने नीचे एग्जांपल बताई हुई, सब्सक्राइब क्या होता है, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, असाइन क्या होता है, एडजेसेंट स्ट्रिंग इंडिकेटिंग टॉपिक्स एंड पार्टीशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सब्सक्राइब पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं सब्सक्राइब की जगह, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है इसके। तो अब ये बेसिकली कर रहा है क्या, कि स्पेसिफिक जो टॉपिक है EN का काफ्का इस सर्वर पे, उसमें जो भी डेटा आ रहा होगा वो उसको ऑटोमेटिकली रीड करना शुरू कर देगा काफ्का से, ठीक है। तो ये काफ्का से इंटीग्रेशन का तरीका है इसका। अब जब उसको रीड करेगा काफ्का से, फिर उसको आप प्रिंट स्कीमा कराएंगे, आपके पास टाइम स्टैम्प और वैल्यू आ रहा होगा, उसके बाद कुछ उन्होंने जेसन को पार्स करने के लिए कुछ अपने इंटरनल फंक्शंस लिखे हुए हैं पाइथन में, ठीक है, ये आप भी लिख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक इस तरह के जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि एक स्कीमा बनाना था अपना, ठीक है, ये थोड़ी सी आपको चीज़ें कम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन ये कि बने बनाए एग्जाम्पल है डेटाबेस की, जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आपने सिंपल सिंपल काफ्का से डेटा रीड करना है, उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, तो आप प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसकी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम्प्लेक्स जैसन पार्सिंग भी करनी है, तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, ये कन्वर्ट फील्ड कर रहा है, इस तरह के स्कीमा बना रहा है, चैनल कमेंट डेल्टा फ्लैग, इसके अंदर ये कॉलम्स आ रहे हैं, सिटी कंट्री, ये स्कीमा बना रहा है, ठीक है। उस स्कीमा को फिर क्या किया, फिर इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि व्हाट आर दिस फील्ड्स एनीवे, दिस फील्ड्स आर कीपिंग, जियो कोडिंग क्या है, इस एनोनिमस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और दिस फील्ड्स वी आर इग्नोरिंग, कुछ हम फील्ड्स इसके अंदर इग्नोर कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि जो एडिट्स DF जो बनाई हुई ऊपर इन्होंने, उसमें से हमने कॉलम के लिए सेलेक्ट किया टाइम स्टैम्प, और फ्रॉम जैसन का एक फंक्शन होता है स्पाइस पार्क में, उसमें जो वैल्यू है उससे आप स्कीमा बना रहे थे, स्कीमा क्या चीज़ है ये आपने डिफाइन कर दिया, ये रहा। तो उस स्कीमा के बेसिस पे आपका एक डेटा स्ट्रक्चर बना देगा जैसन का, उसको एलियस जैसन दे दिया, फिर प्रिंट स्कीमा किया। अब जैसन के अंदर आपके पास आगे चैनल कमेंट डेल्टा फ्लैग, फिर जियो कोडिंग के अंदर सिटी कंट्री, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक कम्प्लेक्स जैसन वाइज एक आपके पास डेटा स्ट्रक्चर बन गया। फिर इन्होंने फाइनल क्या किया, कुछ जेसन एडिट में से सिलेक्ट किया json.wikipedia, आप क्योंकि डॉट के थ्रू आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, लाइक अभी अगर आप, मैं आप पर देखूँ json.comment, json.flag, json.geocoding.cd, json.geocoding.country, तो ये सारी चीज़ें सर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, वन बाई वन सबको सिलेक्ट किया, उसको एलियस करके अलग अलग नाम कॉलम में दे दिए, विकीपीडिया इज एनोनिमस, नेम स्पेस, पेज, पेज URL, geocoding, और कुछ डेट की पासिंग करके अपना एक फाइनल DF बना लिए, एडिट फाइनल DF। उसके फिर जब उसने दोबारा प्रिंट स्कीमा किया, तो उसके बाद अब इस तरह आ गया कुछ डेटा। फिर उसने क्या किया कि कुछ ग्राफ वगैरह बनाना चाह रहा है, तो उसने फाइनल इसको दोबारा फिल्टर किया कि जहाँ पर जियो कोडिंग नल ना हो, कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा दिए, और फाइनली इसने क्या किया, अपना एक डेटा को विजुलाइज कर दिया,
विजुअलाइजेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम यूज इसमें पाइथन कर रहे हैं, लेकिन पाइथन का एग्जैक्ट कोड तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, ये तो डेटा ब्रिक्स की अपनी मॉडिफाइड लैंग्वेज है। नहीं, ये सिंटैक्स पाइथन का ही है, लेकिन जो एपीआई है वो स्पार्क की है, ठीक है। ओके, हम स्पार्क की एपीआई को बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि वेरिएबल डिफाइन करना है तो पाइथन में इसी तरह वेरिएबल डिफाइन होता है। अगर आप स्काला में कर रहे होते हैं तो आप स्काला में इसके आगे वेल और इस तरह कुछ वार वगैरह लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल बाकी तो वही यूज कर रहे हैं। स्पार्क हम उसको क्या कहते हैं यार, स्पार्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जी 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 एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह भी आपने एग्जांपल दी थी, तो इसमें बेसिकली जो है ये काफ्का सर्वर भी जो है वो इन्हीं का डाटा ब्रिक्स वालों का सर्वर है जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज ये कि बेसिकली जो हमारे पास काफ्का से डाटा आ रहा है वो स्ट्रक्चर डाटा है जिसको हम जेसॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा, ठीक है। काफ्का जो है सर्वर जो है बिल्कुल वो डाटा ब्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपसे दोबारा खुद काफ्का क्लस्टर बनाएंगे तो हमारे पास ऑन प्रेम है, और जो डेटा ब्रिक्स है क्लाउड पे काम करता है तो उसकी कनेक्टिविटी में बड़ा मसले आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप क्लाउड में अगर कोई काफ्का का सर्वर बनाना चाहते हैं तो आपको भाई पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्लाउड की कोई सर्विस लेनी पड़ेगी, उसमें काफ्का को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि डेटा ब्रिक्स ने खुद ही काफ्का का एक सर्वर बनाया हुआ है जिसमें विकिपीडिया की, हाँ, विकिपीडिया की पेज एडिट्स का उसमें इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, काफ्का से जब आप डेटा रीड करते हैं ना, तो काफ्का से जो डेटा रीड होता है वो बाइट्स में रीड होता है, ठीक है। ठीक है, फिर बाइट्स को आप कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, या अगर आप देखें ना कास्ट की तरह हमको कास्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे जो डेटा होता है जो बाइट्स में बाइट्स से कन्वर्ट होता है वो फिर आता है जेसन बेस में आता है, ठीक है। बेसिकली हम स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में ना, स्ट्रिंग डेटा को जो है, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक, तो बाइट्स में आपको स्ट्रिंग में कर लिया, इससे फिर आप उसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डेटा फॉर्मेट होगा वो जेसन लाइक ही होगा। अगर आप देखें तो ये बेसिकली स्कीमा बनाए इसी ले रहे हैं कि जो स्कीमा है ये इसके ऊपर स्ट्रिंग अप्लाई हो जाए, स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अभी मेरे से पहले जो पूछा था ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी था, क्योंकि हम ठीक है पाइथन का जो है वो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एपीआई जो है वो हमारे पास इसकी स्पार्क की है, तो इसमें मुझे सिर्फ कोडिंग के हवाले से थोड़ा सा पूछना था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ का कि हम जैसे अगर सिंटैक्स का पाइथन का यूज कर रहे हैं और एपीआई स्पार्क की यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कोड के अंदर कहाँ पे कोई चीज जो है वो स्पार्क की डिनोट करती है और कहाँ पे लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें ना, क्योंकि मैंने पाई स्पार्क पे काम नहीं किया हुआ, पाइथन तो फिर भी कुछ ना कुछ पड़ी हुई है ना, तो इससे क्या मुराद है कि एपीआई स्पार्क जी, देखिए इंपोर्ट कराने का तरीका पाइथन में इसी तरह होता है, आपने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी हो, ठीक है, फ्रॉम पांडास आप इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, पाइथन का सिंटैक्स है, ठीक है, ये भी पाइथन का सिंटैक्स है, लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी सेट करनी हो, लेकिन आप ये जो चीजें है ना, ये ब्रैकेट लगाना, ये सिंटैक्स वगैरह सारा पाइथन का ही है, लेकिन अंदर जो फंक्शन यूज हो रहे हैं स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम डॉट फॉर्मेट डॉट ऑप्शन, अब ये पाइथन में नहीं होते डॉट सिलेक्ट, ये होते हैं स्पार्क में, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से स्पार्क से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो है ये पाइथन ही है, आप उसको डेटा फ्रेम, ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी तो उसमें आपने स्पार्क चलाना था, तो वो वही है ऑब्वियसली, अगर आप स्काला में देखेंगे तो स्काला में बेसिकली आप ज्यादातर वेरिएबल बना रहे होंगे या कोई लिस्ट बना रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बैक एंड पे आप क्या कर रहे होंगे, स्पार्क ही यूज कर रहे होंगे डिफरेंट, क्योंकि फंक्शनलिटीज तो हमने सारी स्पार्क यूज करनी है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने करना है और उसको देखना है, उसको विजुलाइज करना है क्या हो रहा है, डेटा किस तरह आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको डीबग कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप नया कोड एड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं, किस चीज में हमने देखना हो, डीबग करना हो, तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इस नोटबुक में। और अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑलरेडी एक लाइव डेटा आ रहा है काफ्का से, तो इस पर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इसको मजीद खुद एक्सप्लोर करें पूरी यूसेज को इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद आखिरी एक इसकी नोटबुक आती है स्पार्क सक्सेस स्ट्रीमिंग लैब, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये एक एग्जाम टाइप ही होता है इनका, लाइक कि आपसे सोल्यूशन मांगा होता है कि आपने डेटा रीड किया सॉकेट से, ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज दे दी आपके, सोल्यूशन बता दिए आईपी के बेसिस पे डेटा उठाना है या क्या करना है,
तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक बॉयलर कोड सब कोड दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपने करना क्या है, फिल्टर वगैरह किस तरह करना है, सारी चीजें आपने खुद बतानी है, ग्रुप बाय फिल्टर वगैरह के अंदर डेटा किस तरह आएगा, फिल इन वगैरह, ठीक है, तो ये आपने खुद फिल इन करना है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप खुद करें, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप यहाँ पर आएंगे सॉल्यूशंस में, स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग में, तो यहाँ पर आपके लेफ्ट फोर के सॉल्यूशंस बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन पहले आपने ये खुद ट्राई करना है, ट्राई आउट करना है कि आप लोग खुद ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी? जी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक था हमारे पास स्पार्क स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, हमारे पास जितनी भी चीजें थी, हमने मतलब ऑलमोस्ट स्पार्क स्ट्रीमिंग के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हमने सारे कवर कर लिए, लाइक आउटपुट मोड पढ़ लिया, हमने सिंक्स पढ़ लिए क्या क्या सिंक्स होते हैं, चेक पॉइंटिंग पढ़ ली, वाटर मार्किंग पढ़ ली हमने, एग्रीगेट फंक्शंस देख लिए, विंडोज देख लिए हमने, लेट डेटा कैसे हैंडल होता है। तो स्पार्क में, स्पार्क स्ट्रीमिंग में मतलब जितने भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक टू एडवांस, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मतलब जितना आज हमने कवर किया स्पार्क स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, इसमें किसी को क्वेश्चंस बताएं? जी, किसी को क्वेश्चन है उसमें? फैज भी स्टार्ट में आपने एक क्वेश्चन पिछले पूछा भी था ऑलरेडी, कि मेरे ख्याल है कि ऑन प्रीमिस और क्लाउड का मतलब खैर कॉम्बिनेशन कहीं भी अपेरेंटली यूज नहीं हो रहा होगा, राइट? कि आपका जो डेटा है वो भी क्लाउड में ही होना चाहिए ताकि आपकी वो चीजें स्मूथ हो सकें, सॉकेट्स वगैरह एंड ऑल दैट। कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी ना बड़ी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होती है। लाइक आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ऑन प्रेम डेटा पड़ा हुआ है तो आपने एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को उसको एक्सेस देनी है ऑन प्रेम को, कि वो ऑन प्रेम से डेटा उठाए, तो वो एक सिक्योरिटी ब्रीच में आता है, ठीक है। तो मोस्टली कंपनीज इसको वो नहीं करती, प्रेफर नहीं करती, वो क्या करते हैं कि अपने जो डेटा उन्होंने क्लाउड में प्रोसेस करना है उसको पहले क्लाउड में जाके वो कर देती है, रख देती है, फिर वहां से प्रोसेस करती है, ठीक है। तो इस तरह right. जो ऑन प्रेम टू डायरेक्ट क्लाउड कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट भी होती है, वो नहीं अलाउ करते। सही सही। और लेकिन वैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम ये जो हमारा अपना कोर्स है उसके अलावा, अगर हम मैंने जितने भी तक रिसर्च किया इसके ऊपर, इस तरह क्लाउड के जितने भी ट्रेनिंग है इसके अंदर, तो फिर भी इस तरह भी आपने ये एग्जांपल का, इसमें सॉकेट्स भी अवेलेबल है, सब कुछ इस एग्जांपल्स मतलब अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर वो ऑन प्रेमिस वाले के ऊपर आप उसको शिफ्ट करना चाहिए तो मतलब अंटिल अनलेस के यू नीड हेल्प, कि उसकी उस तरह एग्जांपल्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स जो हमने किया है, इसके अलावा बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बेहतर इसलिए था कि आपके पास एक रियल टाइम डेटा भी आ रहा है, वरना हम क्या कर रहे होते हैं अभी एक डमी डेटा बना रहे थे खुद, दो तीन रिपोर्ट डाल के और उस पर टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो आपको समझ नहीं आती इस तरह, ठीक है, एग्जांपल्स उसकी। जी जी, तो बेहतर यही है कि डेटा ब्रिस की मैंने आपको बताया कि डेटा ब्रिस का कोर्स था, ये इसके $200 चार्ज करते हैं वो, ठीक है, सॉरी 200 कम बता रहा हूँ मैं, $2,000 थे, सॉरी, ठीक है। तो ये इनके डेटा ब्रिस का $2,000 का कोर्स है ये, तो ये जो आपको लग रहा है ना कि ये टीसीपी का पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ या काफ्का का इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हुई, तो ये फ्री में नहीं की हुई उन्होंने, ये इसके चार्जिंग करते हैं कस्टमर से, ठीक है। जिस तरह भी पूछ कह रहे थे आपसे कि अभी क्लाउड और इसका एक हम कहीं पर भी हमें इस या तो ऑन प्रेम्स होगा या फिर आपके पास जो है वो क्लाउड सॉल्यूशन होगा, अगर जैसे हम ट्रेनिंग की बात करते हैं सिंपल, अभी हम सीख रहे हैं चीजों को यहाँ पर, तो ट्रेनिंग के लिए कोई टूल ऐसा है जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सके जिस तरह लैपटॉप पे, और उसको हम जो है वो लाइव डाटा के साथ इंटीग्रेट करके ये सारा काम कर सके, क्योंकि अभी तो हम ये क्लाउड पे कर रहे हैं और डाटा ब्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जिस तरह हम चीजें अभी सीख रहे हैं और हमने वीएम पे बाकी चीजें की हैं, तो यही काम अगर हमने वीएम के थ्रू करना हो या अपने पीसी पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, क्योंकि इसके और भी स्पार्क के जो है वो ओपन सोर्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, तो क्या पॉसिबल है इस तरह की चीज ट्रेनिंग पर्पस के लिए? मैं एक्चुअली आप लोगों को एक चीज बता दूं जो आप अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक एपीआई होती है रैंडम यूजर, ठीक है, रैंडम यूजर जनरेटर की एक एपीआई होती है, ठीक, तो
तो ये बेसिकली करती क्या है कि आपके पास ना एक रैंडम यूजर का डेटा जनरेट करा के दे रही होती है, आपने इसको पाइथन से कॉल कराना है जो भी कराना है। तो आप बेसिकली करें क्या कि आप क्या करें, अपने लोकल पीसी में पाइथन में डेटा कॉल कराएं और जो ये रैंडम यूजर है इसका जो डेटा है, ठीक है, ठीक है, इसका जो भी डेटा आप राइट कराएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ हाइब्रिड सोल्यूशन की। हाइब्रिड सोल्यूशन का मतलब है कि आप ऑन प्रेम भी काम कर रहे हैं और आप उसको क्लाउड से भी इंटरेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो लेट से आपके पास कोई S3 बकेट है क्लाउड में अमेजोन का, तो आपका जो भी डेटा यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है वो आप क्या करें, आप अपने पास Apache NiFi आपने पढ़ा होगा, इसमें आप क्लास अटेंड कीजिए NiFi की, ठीक है। तो उसमें क्या करें, उससे वो फाइलें रीड करें और वो फाइलें आप राइट कराएं AWS S3 में, ठीक है, ठीक है। तो आप S3 में राइट कराएंगे तो वहां से आप डेटा ब्रिज की एप्लीकेशन चला दें जो कि S3 से डेटा रीड करेगी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के आप एक हाइब्रिड सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सारा काम ऑन प्रेम ही करना है, लाइक अपने लोकल पीसी में रहते ही करना है, तो फिर आप क्या करें, वही डेटा डाउनलोड करें रैंडम यूजर वाला, सिंपल से क्या है, ये रैंडम यूजर की API जो है ना, आप NiFi में भी कॉल करा सकते हैं। आप NiFi में कॉल कराएं उसको, जो डेटा आएगा आप उसको लोकल है आपके पास HTTP के अंदर उसके अंदर पुट करें और आप अपनी कस्टम स्पार्क एप्लीकेशन लिखें और लोकल सिस्टम के अंदर, ठीक है, स्पार्क डाउनलोड करके आप लिख लेना कि हाउ टू इंस्टॉल स्पार्क इन लोकल PC, तो आपके पास आ जाएगा। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन लिखे स्पार्क स्ट्रीमिंग की और उस डेटा को रीड करके वहाँ से NiFi सॉरी Kafka से और राइट कराएं HDFS में, ठीक है, ठीक है। जी और कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? जी आमिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ओपन है, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ। चलिए अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो मेरे ख्याल में आज के लिए जो हमारा टॉपिक था स्पार्क स्ट्रीमिंग से रिलेटेड वो इतना ही था। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम कल जो है NoSQL का टॉपिक कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जी एनी क्वेश्चंस या वी आर गुड टू गो? कल हमारा लास्ट सेशन है या नेक्स्ट वीक भी हैं दो सेशंस? कल हमारा सिर्फ वही है कि एक टॉपिक रहता है हमारा NoSQL का, वो हमने कवर करना है, और नेक्स्ट वीक सैटरडे को इंशाल्लाह हमारा फाइनल एग्जाम होगा बस। राइट प्याज भाई, ये डेटाबेस के कंपेटिटिव कौन है, लाइक इसके अल्टरनेट अगर हम किसी कंपनी को यूज करना चाहें तो ये सर्विसेज कुछ भी? डेटाबेस से कंपेटिटिव आजकल चल रहा है मार्केट में DBT, ठीक है, लेकिन ये मैंने जहाँ तक इसके रिव्यू पढ़े हैं तो सुना है कि ये काफ़ी महंगा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्पार्क। तो बस यही चल रहा है फिलहाल क्लाउड में, तो आप इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, DBT वर्सेस स्पार्क। फैज भाई एक बात बताएं कि ये जो नेक्स्ट वीक हमारा जो है फाइनल टेस्ट है उसमें क्या ये किस किस्म का होगा हमारा? वो MCQs बेस्ड होगा और अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, लाइक कल भी जब हम पढ़ेंगे NoSQL का टॉपिक पढ़ेंगे, वो सारी चीजों में कवर होगी, ठीक है। राइट राइट ठीक है, ठीक डन। चलिए ओके जी देन इंशाल्लाह फिर कल के क्लास में मिलते हैं। तो अल्लाह ओके, लाफिज, ओके, थैंक यू, लाफिज, लाफिज।